Hello students, welcome to this JEE Main revision course from Vidya Mandir classes. I am Abhishek Kumar, HOD Physics at VMC. और आज के इस physics webinar में जो topics मैं discuss करूँगा, that is conductors जो कि electrostatics का part है and capacitors. तो electrostatics का एक session already हो चुका है, but उस session में हमने conductors वाला part discuss नहीं किया था, तो वो आज हम करेंगे discuss और उसके बाद capacitors करेंगे. पहले अगर वेटेज वाइज देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वेटेज तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था उस वाले सेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले सेशन में, तो उसमें कंडक्टर्स ऑलरेडी आ चुका था. बट कैपेसिटर्स वाला वेटेज अगर देखें तो जैसा मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, तो अगर आप देखोगे तो 2019 and 2020 अगर मिला लें तो पेपर्स टोटल 8, 8 और 6, यानी कि 22 पेपर्स हुए हैं और जो क्वेश्चन आए हैं दैट इज ऑल्सो 22, यानी कि काफ़ी अच्छे चांसेज हैं कि एक आपके पेपर में, मतलब हर पेपर में एक क्वेश्चन तो कैपेसिटर का आता ही है. एक दो पेपर जैसे 6 पेपर्स में 4 क्वेश्चंस अगर हैं 20 वाले सेशन 20 जनवरी सेशन में, तो इसमें फिर दो पेपर्स में क्वेश्चन नहीं रहेंगे, बट 90% मतलब चांस है कि आपका भी जो नेक्स्ट पेपर होगा जेई मेन का उसमें एक क्वेश्चन तो कैपेसिटर का रहेगा ही. और कैपेसिटर के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होते, तो उसमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है. तो चलो हम पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर्स वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम कैपेसिटर्स करेंगे. तो कंडक्टर्स में हम पहले अगर बात करें कि कंडक्टर्स होता क्या है, कंडक्टर्स में क्या खास बात होती है अगर ये देखें, और फिर उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स देखें. तो कंडक्टर्स में खास बात ये होती है कि कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है. कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये कंडक्टर के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं, यानी कि एक तरह से कंडक्टर के जो एटम्स रहे होंगे तो उस एटम के सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि उस एटम से डिटैच हो चुके हैं और लेकिन कंडक्टर के अंदर हैं, तो कंडक्टर के अंदर ये फ्रीली मूव कर रहे हैं. हाँ, ये कंडक्टर से बाहर निकलने के लिए फ्री नहीं है, उसके लिए तो हमें वर्क फंक्शन और एनर्जी देनी पड़ती है. तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कंडक्टर हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री टू मूव विद इन द कंडक्टर, विच आर फ्री टू मूव विद इन द कंडक्टर, विद इन द कंडक्टर बट नॉट फ्री टू एस्केप, बट नॉट फ्री टू एस्केप. तो कंडक्टर में खास बात यह होती है कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और काफी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कुछ कमी नहीं है, अनलिमिटेड हम मान सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. 10 to the power 22 के ऑर्डर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें. प्रॉपर्टीज अगर देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन की बात करें तो ये सारी प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है. तो पहली प्रॉपर्टी, मैंने सारी प्रॉपर्टीज यहां पे लिस्ट डाउन कर दिया, तो वन बाय वन देख लेते हैं. पहली प्रॉपर्टी लिखी है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर हमेशा जीरो होगा हर पॉइंट पे. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि कंडक्टर पे अगर खुद का कोई चार्ज है, कोई एक्सटर्नल फील्ड है, तो सब कुछ मिला के जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कंडक्टर के अंदर हमेशा जीरो होगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ये होता है. सर्फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अगर, तो वो परपेंडिकुलर टू द सर्फेस होगा. सेकेंड पॉइंट ये है कि सर्फेस पे परपेंडिकुलर सर्फेस होगा, पैरेलल टू द सर्फेस कंपोनेंट नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड का. और वो परपेंडिकुलर टू द सर्फेस होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो सर्फेस के बिल्कुल पास वाले पॉइंट्स पे, नियर द सर्फेस, मैंने यहां पे लिखा नियर द सर्फेस, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, अगर पॉजिटिवली सिग्मा वहां पे है तो आउटवर्ड होगा, अगर नेगेटिव है तो इनवर्ड होगा. और इस सिग्मा को हम बोलते हैं लोकल सर्फेस चार्ज डेंसिटी, लोकल सर्फेस चार्ज डेंसिटी. फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर जो है वो इक्विपोटेंशियल बॉडी होता है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो कंडक्टर इक्विपोटेंशियल बॉडी, यानी कि सारे के सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम ही होगी. तो कंडक्टर्स में फिर ये नहीं पूछा जाता कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा ये बताओ, ये पूछा जाता है कि कंडक्टर का ही पोटेंशियल बता दो कितना है, सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम ही होगा. और फिर एक जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो है कि अगर हम कंडक्टर पे कोई भी चार्ज देते हैं, कोई भी चार्ज देते हैं, या तो चार्ज देते हैं या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी अगर चार्जेस का होता है, तो जो भी चार्ज प्रेजेंट रहेगा वो सिर्फ सरफेस के अंदर प्रेजेंट रहेगा, सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट रहेगा, वॉल्यूम के अंदर चार्ज नहीं प्रेजेंट हो सकता है, सरफेस पे प्रेजेंट रहेगा. तो इससे एक ये भी आती है कि जो वॉल्यूम चार्जेस होते हैं, जैसे होता है ना कि किसी बॉडी का दे रखा होता है रो, दे रखा होता है कि चार्ज परेंट वॉल्यूम गिवन है, तो वो रो वाले जो बॉडीज होते हैं, चार्ज परेंट वॉल्यूम वाले बॉडीज, दे कैन नॉट बी कंडक्टर्स, वो इंसुलेटर्स होते हैं. कंडक्टर्स अगर है तो वॉल्यूम चार्ज हो ही नहीं सकता है, उसमें सिर्फ सर्फेस पे चार्ज होगा. तो ये कंडक्टर्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर. इसके बाद कुछ हम देख लेते हैं कुछ सिचुएशन कंडक्टर्स का. तो हम यही कर रहे हैं इस रिवीजन कोर्स में, हम थोड़ी बहुत थ्योरी डिस्कस करते हैं जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी, और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं. प्रॉब्लम्स में काफी सारे प्रॉब्लम्स हम एक्चुअल जेई मेंस के ही लेंगे, तो वो आगे आ जाएगा. अभी मैं थोड़े बेसिक
कुछ एक दो क्वेश्चंस ले रहा हूं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रखा है कि एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड है, कंडक्टिंग स्फीयर सॉलिड है, और इसका रेडियस आर इस पर हमने चार्ज क्यू दे दिया, तो लेट्स से हमने इसको चार्ज क्यू दे दिया है, तो है ये सॉलिड, लेकिन जो भी चार्ज देंगे कहां पर जाएगा, तो ये सर्फेस पर जाएगा, सर्फेस पर यह चार्ज चला जाएगा, सर्फेस पर जाएगा, सिर्फ सर्फेस पर ही रहता है, तो अंदर में सॉलिड है तो सॉलिड में कोई चार्ज नहीं रहेगा, सिर्फ सर्फेस पर रहेगा। और ये कैसा चार्ज आएगा, तो ये क्यू जो जाएगा गोज टू द सर्फेस, गोज टू द सर्फेस, सर्फेस पे जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा इसका भी पूछा, हाउ इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पे सिर्फ एक ही चार्ज है, ये जो हम चार्ज कर रहे हैं यही चार्ज है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो अगर यही वाला चार्ज है और ये सर्फेस पे जा रहा है, और उस चार्ज के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होना है, तो अगर सर्फेस पे चार्ज गया तो दैट इज लाइक अ स्फेरिकल शेल, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सर्फेस पे, तो स्फेरिकल शेल है, और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए बिकॉज अंदर में कंडक्टर है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए ये चार्ज जो सरफेस पे जाएगा ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सो दैट यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल बन जाएगा, तो उसके कारण फिर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो ये जो चार्ज सरफेस पे जाएगा ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये भी पूछा था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ए पार्ट में ये हो गया यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर पूछा कि फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू द स्फीयर क्या होगा, तो ये बेसिकली बात ये है कि ये जो चार्ज हम दे रहे हैं इस कंडक्टर पे, तो ये करेगा, ये बिहेव्स एज अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल की तरह बिहेव करेगा, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल भी वैसे निकाल लेंगे, तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर एक्सप्रेशन लिख रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में तो जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो फोर आर लेस देन कैपिटल आर, और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले पॉइंट पे हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर फोर आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर, और ये आर हम ले रहे हैं सेंटर से डिस्टेंस, इसका सेंटर रहा होगा, सेंटर से डिस्टेंस ले रहे हैं। पोटेंशियल क्या लेकर करें, तो पोटेंशियल अंदर में हो जाएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर फोर आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर, और बाहर में पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर फोर आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर, फील्ड एंड पोटेंशियल ऐसे निकल जाएगा। सी पार्ट में पूछा है कि सेल्फ एनर्जी कितनी होगी, तो इसमें ध्यान रखना है कि ये बोल रखा है कि सॉलिड बॉडी है, सॉलिड स्फीयर है, लेकिन चूंकि ये कंडक्टर है तो जो भी चार्ज दे रहे हो तो सर्फेस पर जा रहा है, तो इसकी सेल्फ एनर्जी स्फेरिकल शेल वाली सेल्फ एनर्जी हो जाएगी, सेल्फ एनर्जी स्फेरिकल शेल वाली होगी, यू सेल्फ, तो स्फेरिकल शेल की सेल्फ एनर्जी कितनी होती है के क्यू स्क्वायर अपॉन टू आर, ये इसकी सेल्फ एनर्जी हो जाएगी, के मैं बोल रहा हूं 1/4 pi epsilon naught को, इसमें ये मिस्टेक नहीं करना है कि 3/5 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर कर देना, वो होता है सेल्फ एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, यानी कि वॉल्यूम में भी चार्ज होता है, इस बार सिर्फ सर्फेस पे चार्ज है, तो ये यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल की तरह बिहेव कर रहा है, वैसे तो ये सॉलिड बॉडी है बट चार्ज वाइज दिस इज बिहेविंग एज यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, सेल्फ एनर्जी के क्यू स्क्वायर अपॉन टू आर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि ये जो कंडक्टर है न्यूट्रल सॉलिड कंडक्टर है, न्यूट्रल है, दिस इज न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज हमने नहीं दिया, जो कंडक्टर उस पर कोई चार्ज नहीं दिया, लेकिन इसके पास हमने एक चार्ज रख दिया है, इसके पास एक चार्ज रख दिया है, तो पास में चार्ज रखने के कारण इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा। क्या होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, कि इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि जहां पे पॉजिटिव चार्ज हमने रखा है तो उसके पास इधर कुछ नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे, कुछ नेगेटिव चार्जेस इधर आ जाएंगे, और फिर दूर वाले पॉइंट्स पे कुछ ऐसा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो गया। अभी भी नेट चार्ज तो जीरो ही रहेगा, क्यू नेट तो जीरो होगा, क्यू नेट इज जीरो, नेट चार्ज जीरो है, लेकिन चार्जेस ऐसा होगा कि एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस आ जाएगा। ये इंडक्शन क्यों हुआ है, तो कंडक्टर के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है, तो ये इंडक्शन ऐसा होगा कि जो एक्सटर्नल चार्ज वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैंसिल करेगा, तो उसके लिए फिर पूछा क्या, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है ड्यू टू इंड्यूस चार्ज एट सी एंड ए, तो सी और ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज बताना है, तो ए पार्ट में अगर देखें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, अगर हम सी की बात करें एट सी तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो चाहिए, कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में किसका किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक्सटर्नल चार्ज रखा हुआ है ये स्मॉल क्यू पी पॉइंट पे उसका, और एक इसके खुद का जो इंड्यूस चार्जेस है उसके कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड, ये दोनों का वेक्टर एडिशन जीरो हो जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू किधर होगा यहां पे, तो प्लस क्यू के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखे तो वो तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस फिर किधर होना चाहिए, तो इसको कैंसिल करना है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, और कितना होगा, तो बस इसके बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा तो फिर इसको कैंसिल कर देगा नेट फील्ड को,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज अगर लिख रहा हूं, इंड्यूस चार्ज, तो वेक्टर फॉर्म अगर देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो बाहर वाला जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर हो जाएगा पीसी डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस अगर देखेंगे पी पॉइंट से सी तक का तो पीसी डिस्टेंस है, तो के क्यू अपॉन पीसी स्क्वायर ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ड्यू टू प्लस क्यू, डायरेक्शन है इसका रेडियल आउटवर्ड एंड डायरेक्शन है पीसी वेक्टर के डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन है तो इंड्यूस चार्जेस का उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो दिखा रखा है हमने डायग्राम, तो इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर अगर दिखाना चाहूं तो उसको मैं लिख सकता हूं सीपी कैप, सीपी कैप दिखा सकता हूं कि सीपी कैप हो जाएगा एक यूनिट वेक्टर फ्रॉम सी टू पी, तो ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा इंड्यूस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी पॉइंट पे ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही तुम ए पे भी कर लोगे, ए पे क्या बनेगा, ए पे सिमिलर हो जाएगा कि ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखोगे तो इस पॉइंट चार्ज के कारण कुछ इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, तो इंड्यूस चार्ज के कारण फिर इस डायरेक्शन में हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड, तो सिमिलर तरीके से करना है कि ए पे एट ए, ये सिमिलर मेथड, सिमिलर तरीके से कर लोगे, सिमिलर मेथड ये कर सकते हो। बी पार्ट में बताना है पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, तो कंडक्टर इक्विपोटेंशियल है तो हम किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल बता देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब यहां पे चार्जेस कौन कौन से हैं, तो एक एक्सटर्नल चार्ज जो हमने क्यू रखा है वो अलग है और एक इस पे जो इंड्यूस चार्ज हुआ वो अलग है, तो दोनों का मिला के अगर पोटेंशियल बताना है तो ऐसे केसेस में आसान पॉइंट होगा सेंटर ऑफ द कंडक्टर, बिकॉज सेंटर ऑफ द कंडक्टर पे अगर देखोगे पोटेंशियल तो एक एक्सटर्नल चार्ज के कारण तो होगा और इंड्यूस चार्जेस जो है चूंकि वो सारे के सारे जहां जहां पे प्रेजेंट है उनका सेंटर से डिस्टेंस सेम है तो फिर नेट चार्ज तो जीरो ही है, तो पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज सेंटर पे जीरो हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा स्टेप बाय लिख दे रहा हूं, तो अगर मैं पोटेंशियल लिख रहा हूं, पोटेंशियल एट सी लिख रहा हूं, मान लो पोटेंशियल एट सी, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू और प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड, प्लस क्यू के कारण कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा के क्यू अपॉन पीसी, प्लस क्यू के कारण ये हो जाएगा सेंटर का डिस्टेंस है इस पी से पीसी, और प्लस इंड्यूस के कारण हो जाएगा के इंटू क्यू इंड्यूस्ड और अपॉन आर, बिकॉज इंड्यूस चार्जेस जो है वो सरफेस पे है और सरफेस के सारे पॉइंट सेंटर से इक्विडिस्टेंट है, तो फिर के इंटू टोटल चार्ज इंड्यूस्ड अपॉन आर हो जाएगा, और टोटल चार्ज इंड्यूस्ड क्या होता है, ये टोटल चार्ज इंड्यूस्ड ये तो जीरो ही होता है, ये तो जीरो ही होता है, टोटल इंड्यूस चार्ज तो जीरो ही होता है, तो ये सिंपली बन जाएगा के क्यू अपॉन पीसी, तो ये सेंटर पे आ गया, सेंटर पे आ गया और पूरे कंडक्टर का पोटेंशियल वही यही हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सेंटर जो कि के क्यू अपॉन पीसी बन गया, कंडक्टर तो एक ही पोटेंशियल बॉडी होता है, तो अगर हमने किसी भी एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लिया है तो यहां पे एक आसान पॉइंट था पॉइंट सी, तो अगर पॉइंट सी पे हमने निकाल लिया है कि पोटेंशियल क्या है तो पूरे कंडक्टर पोटेंशियल की वैल्यू वही होगी, तो एक ही बताया था कंडक्टर का पोटेंशियल। अच्छा एक लास्ट पॉइंट पार्ट देखो, पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस एट ए, ए वाला जो पॉइंट है वहां पे टोटल पोटेंशियल तो इतना ही होगा, इसे बोल रखा है कि इंड्यूस चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगा, तो वो निकल जाएगा ऐसे नहीं से, अगर टोटल पोटेंशियल पता है तो हम क्या बोलेंगे कि पोटेंशियल एट ए विल बी पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू और प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड, और पोटेंशियल एट ए टोटल जो होगा वो तो पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, तो वो तो हमने निकाल रखा है कि वो के क्यू अपॉन पी सी है, और पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू भी पता है, प्लस क्यू का तो वहां से डिस्टेंस कितना है, वहां से डिस्टेंस है पी ए, तो पोटेंशियल ड्यू टू क्यू ये हो जाएगा और बचा हुआ फिर हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड, तो यहां से इंड्यूस चार्ज के कारण पोटेंशियल आ जाएगा एट पॉइंट ए, इंड्यूस चार्ज के कारण एट ए पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू इंटू वन बाई पी सी माइनस वन बाई पी ए, तो इस तरह से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज हम यूज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर हर जगह जीरो है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और पोटेंशियल निकालने के लिए किसी भी एक आसान पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लेंगे, सारे पॉइंट से पोटेंशियल वही होगा। चलो एक ये क्वेश्चन देखते हैं, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है मेन में, वो रखा है कि कंसीडर टू चार्ज मेटालिक स्फीयर्स S1 एंड S2 ऑफ रेडियस R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली, द इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ऑन S1 एंड E2 ऑन S2 ऑन देयर सर्फेसेस, तो सर्फेसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सर्फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सर्फेस, तो ये हो जाता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये सर्फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अंदर में जीरो होता है और बाहर में ऐसा सिर्फ अगर एक मेटल स्फीयर है, दैट मीन्स ये माना है कि आइसोलेटेड मेटल स्फीयर है, तो उस पर जो भी चार्ज देंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा ऑन द सर्फेस एंड विल बिहेव एज अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, तो अंदर वाले पॉइंट पे जीरो और सर्फेस एंड बाहर वाले पॉइंट्स पे वो बिहेव करेगा एज अ पॉइंट चार्ज लोकेटेड ऑन द सेंटर, तो सर्फेस पे हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहां पे E1 अपॉन E2 हमें दे रखा है, E1 अपॉन E2, तो E1 अपॉन E2 होगा क्या, तो E1 अपॉन E2 अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन Q2 और इंटू R2 अपॉन R1
का स्क्वायर, ये बनेगा. और ई वन अपॉन ई टू हमें दे रखा है, ये कितना दे रखा है, दैट इज आर वन अपॉन आर टू. तो आर वन अपॉन आर टू हो गया क्यू वन अपॉन क्यू टू और इन टू आर टू अपॉन आर वन का स्क्वायर. तो यहां से हमें मिल गया कि क्यू वन अपॉन क्यू टू, इन दोनों पे जो चार्जेस हमने दिया होगा उसका रेशियो हो जाएगा आर वन अपॉन आर टू का क्यूब. ये आ गया आर वन अपॉन आर टू का क्यूब आ गया. तो फिर बताना है पोटेंशियल ऑन ईच स्फीयर, देन द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन ईच स्फीयर. अब पोटेंशियल तो पूरे स्फीयर का सेम ही होगा, और कितना होगा, तो अंदर वाले पॉइंट्स पे पोटेंशियल के क्यू बाई कैपिटल आर. तो पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, पोटेंशियल स्फीयर में, फिर ये बोलने की जरूरत नहीं है कि कहां पे पोटेंशियल, पूरे स्फीयर का पोटेंशियल सेम ही होगा और वो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर. तो इसमें अगर हम पोटेंशियल्स का रेशियो ले लेंगे वी वन अपॉन वी टू, तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है क्यू वन अपॉन क्यू टू और इन टू आर टू अपॉन आर वन. तो ये क्यू वन अपॉन क्यू टू हमने क्या निकाला है, यह आया है आर वन अपॉन आर टू का क्यूब और इन टू आर टू अपॉन आर वन. तो ये आ जाएगा फिर हमारे पास आर वन अपॉन आर टू का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा आर वन अपॉन आर टू का स्क्वायर. तो इसमें फिर आंसर देखो, आंसर दे रखा है दिस इज प्रॉपरली गिवन इन ऑप्शन फोर, ऑप्शन फोर करेक्ट हो जाएगा. तो सिंपल सा कंडक्टर्स का क्वेश्चन था ये. अब बात करते हैं कैविटी इनसाइड ए कंडक्टर. तो ये पार्ट थोड़ा ट्रिकी होता है, इसमें काफी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं. वैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इसके वो सिंपल आते हैं, बट एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको थोड़ा हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. मैंने प्रॉपरली सारे केसेस अच्छे से लिख भी दिए हैं, तो मैं समझा भी देता हूं, बाकी लिखे हुए हैं तो अभी समझने पे फोकस करो. लिखने के लिए तो ये जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं ये पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगा आफ्टर द वेबिनार. तो इसमें पहला केस है कि कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर है. तो उसके लिए हमने क्या कर रखा है कि यहां पे एक स्फेरिकल शेल ले लिया, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ले लिया. तो कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल एक तरह से हो गया कि दिस इज अ कंडक्टर विद अ कैविटी, कि बाहर में सरफेस पे कंडक्टिंग मटेरियल है और अंदर में कैविटी है. अब बोल रखा है कि कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है. तो ऐसे केस में कैविटी के अंदर अगर चार्ज नहीं है तो अंदर वाले, यहां पे दो सर्फेसेज हैं, एक है अंदर वाला सर्फेस उसको मैं S1 बोल रहा हूं, एक है बाहर वाला सर्फेस उसको S2 बोल रहा हूं. तो अगर कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो फिर अंदर वाले सर्फेस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, अंदर वाला सर्फेस यूनिफॉर्मली अनचार्ज रहेगा. तो पहला हमने यही बोल रखा है कि अंदर वाला सर्फेस यूनिफॉर्मली अनचार्ज रहेगा. और इसके लिए क्या करते हैं कि अगर मैंने इसका जो थिकनेस रहा होगा, इस थिकनेस के अंदर वाले पॉइंट्स को मिलाकर अगर एक गॉसियन सर्फेस ले लेंगे तो उस गॉसियन सर्फेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो उसके अंदर चार्ज इंक्लोज जीरो हो जाएगा. तो अंदर वाला सर्फेस उसके अंदर इंक्लोज है और फिर अंदर कैविटी के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो फिर S1 पे चार्ज जीरो हो जाएगा. तो यही है कि S1 पे यूनिफॉर्मली अनचार्ज होगा, कैविटी के अंदर फील्ड जीरो होगा. तो फील्ड इनसाइड द कैविटी ये जीरो होगा, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. कि कंडक्टर के अंदर अगर कैविटी है तो कैविटी बाहर वाले जो भी चार्ज अगर हम दे रहे हैं उससे अनइन्फ्लुएंस रहेगा. तो अगर अंदर में कोई चार्ज नहीं है तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं. अब बोल रखा है कि कोई भी चार्ज अगर हम देंगे, तो लेट्स से हमने इस कंडक्टर को चार्ज दे दिया है, चार्ज क्यू दे दिया है, तो जो भी चार्ज देंगे तो ये बाहर वाले सर्फेस पे जाएगा. तो यहां पे ये चार्ज जो भी क्यू देंगे ये कहां जाएगा, क्यू ये गोज टू एस टू जाएगा, एस टू जाएगा. और एस टू पे ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो फिर उसके लिए हमने फोर्थ पॉइंट लिख रखा है. ये सारे पॉइंट्स हम कवर कर रहे हैं, फोर्थ पॉइंट्स लिख रखा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा कि किसी भी ऐसे कैविटी वाले केसेस में जो बाहर वाले सर्फेस पे चार्ज है उस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले सर्फेस के बाहर ही रहेगा, अंदर में नहीं रहेगा. तो अगर मान लो ये स्फेरिकल सर्फेस है बाहर वाला, तो उसके कारण अगर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना है और बाहर में सिर्फ रहना है, तो उसके लिए उसको यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल की तरह बिहेव करना पड़ेगा. तो ये जो चार्ज S2 जाएगा ऑन, ये जो चार्ज क्यों जाएगा ऑन द सर्फेस, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो यहां पे ऐसा होगा कि S1 पे जीरो चार्ज है, S1 पे जीरो चार्ज, और S2 पे चार्ज Q है, S2 पे चार्ज Q है, और ये Q का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये यूनिफॉर्म है. और ये S1 पे जो चीज और जीरो चार्ज है ये भी यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा कि हर जगह ही जीरो रहेगा, ऐसा नहीं कि कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव है, हर जगह ही जीरो रहेगा. ऐसा होगा, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता है, बिकॉज फिर अगर कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा और नेगेटिव वाले पे जाके टर्मिनेट होगा, अंदर में कोई और चार्ज तो है नहीं. यानी कि S1 सरफेस के किसी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा और S1 के ही किसी दूसरे पॉइंट पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा. तो अगर मैं उस लाइन के अलोंग चला जाऊंगा तो मुझे एक पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा E डॉट dr के इंटीग्रेशन से. यानी कि S1 के ही दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज S1 पूरा जो सर्फेस है वो एक ही कंडक्टर का सर्फेस है, तो उसके सारे पॉइंट्स एक ही पोटेंशियल पे होने चाहिए.
इस कारण से वो प्लस माइनस भी नहीं होता है, यूनिफॉर्मली अनचार्ज होता है अंदर वाला सर्फेस, और यहां पर बाहर वाला सर्फेस यूनिफॉर्मली चार्ज हो जाएगा अगर हमने क्यू दिया है तो. ठीक है, तो यह केस था कि कंडक्टर के अंदर कैविटी है और कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है. दूसरा केस ये देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट केस है कि इस बार हमने बोल रखा है कि चार्ज कैविटी के अंदर प्रेजेंट है. तो इसमें भी हम मैंने सारे पॉइंट्स को अच्छे से लिख दिया है, तो तुम खुद से ही पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा. बिल्कुल डिटेल में लिख दिया, डिस्कस भी कर लेते हैं. तो अगर हमने यहां पे क्यू दिया है तो पहले बात करते हैं S1 पे, S1 पे कितना चार्ज होगा. तो S1 वाले सर्फेस पे ये चार्ज चला जाएगा माइनस क्यू, ये माइनस क्यू चार्ज जाएगा, माइनस क्यू S1 पे चार्ज जाएगा माइनस क्यू. क्यों जाएगा माइनस क्यू? तो इसके पीछे रीजन वही होगा कि अगर मैंने इस ये जो हमारे पास कंडक्टिंग शेल है, फिर से वही ले रहे हैं कि कंडक्टिंग शेल ले लिया, तो इसके थिकनेस के अंदर वाले पॉइंट्स को मिला के एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तो उस गॉसियन सरफेस के सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, बिकॉज कंडक्टर के अंदर वाले पॉइंट्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो फ्लक्स जीरो होगा, तो क्यू इंक्लोज जीरो होना चाहिए. तो एक अंदर हमने कैविटी के अंदर चार्ज रखा है, तो इंक्लोज चार्ज जीरो करने के लिए फिर अंदर वाले सर्फेस पर माइनस क्यू आना पड़ेगा, तो अंदर वाले सर्फेस पर माइनस क्यू आ जाएगा. कैविटी के अंदर इस बार फील्ड नॉन जीरो होगा, बिकॉज ऐसा होगा कि फील्ड लाइन्स अगर देखोगे कैविटी के अंदर, तो ये फील्ड लाइन्स इस प्लस क्यू से निकलेंगी और सरफेस पे जाके टर्मिनेट करेंगी. तो अंदर फील्ड लाइन्स हैं, तो अंदर में फील्ड जीरो नहीं है. ये फील्ड लाइन्स मैं दिखा रहा हूं, अंदर में फील्ड जीरो नहीं है, ऐसा है फील्ड. तो दूसरे पॉइंट में ये लिख रखा है कि फील्ड है, इस बार फील्ड है अंदर, तो दूसरा पॉइंट ये. तीसरा पॉइंट है कि S2 पे कितना चार्ज होगा. तो S2 पे चार्ज होगा कि अगर मैंने मान लो इस कंडक्टर को कैपिटल क्यू चार्ज दिया है, तो टोटल चार्ज कंडक्टर पे हम जितना दे रहे हैं उतना ही रहना चाहिए, तो चार्ज कंजर्व्ड है. अगर हम जो भी चार्ज दे रहे हैं वही रहना चाहिए. यहां पे जो भी चार्ज रहेगा वो दो सर्फेसिस पे रहेगा, S1 एंड S2. S1 पे अगर माइनस क्यू है तो टोटल कैपिटल क्यू रहने के लिए S2 पे फिर कितना आना चाहिए, S2 पे, तो S2 पे आ जाएगा क्यू प्लस क्यू. सो दैट S1 और S2 चार्ज को जोड़ूंगा तो कैपिटल क्यू हो जाएगा, जो कि उतना ही होना चाहिए जितना हमने दिया है. तो थर्ड पॉइंट ये है. अब फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट ये बात कर रहा है कि ये चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा. तो इसको ध्यान से सुनना, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं. तो पहले बात करें S1 पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको मैंने प्रॉपरली लिख भी दिया है कि S1 पे चार्ज ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होगा कि जो कैविटी के अंदर चार्ज रखा है और कैविटी के सरफेस पे जो चार्ज आया है, इनका कंबाइंड फील्ड वो कैविटी सरफेस के बाहर हर जगह जीरो होना चाहिए. ये बात समझ में आ रही है कि कैविटी के सरफेस पे यानी अंदर वाले सरफेस पे जो चार्ज होगा और कैविटी के अंदर जो चार्ज हमने रखा होगा, उन दोनों का मिला के कंबाइंड फील्ड वो कैविटी सरफेस के बाहर हर जगह जीरो होना चाहिए. तो जैसे यहां पे बात करें, तो अगर हमने इस प्लस क्यू को अंदर में सेंटर पे रखा, ये वाला केस है कि हमने प्लस क्यू को सेंटर पे रखा है, तो फिर इस प्लस क्यू और S1 पे जो माइनस क्यू आया है, इनका मिला के फील्ड कैविटी सरफेस के बाहर जीरो होना चाहिए. तो उसके लिए S1 पे माइनस क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? तो अगर प्लस क्यू सेंटर पे है, तो उसको भी बाहर वाले फील्ड को कैंसिल करने के लिए उसको भी सेंटर पे रखे हुए चार्ज की तरह बिहेव करना पड़ेगा. तो S1 एक स्फेरिकल सर्फेस है, तो स्फेरिकल सर्फेस पे कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि उसका जो चार्ज है वो सेंटर पे रखे हुए एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करे, तो वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. तो ये S1 पे जो माइनस क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये यूनिफॉर्म होगा, ऐसे डिसाइड होगा. अब बारी आती है कि S2 बाहर वाले सर्फेस पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा. तो बाहर वाले सर्फेस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो ऐसा होना चाहिए कि बाहर वाले सर्फेस पे जो भी चार्ज आ रहा है, उसका फील्ड बाहर वाले सर्फेस के अंदर जीरो होना चाहिए. तो वो मैंने यहां पे फिफ्थ पॉइंट में दिखा रखा है कि चार्ज क्यू प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड एंड S2 इन सच अ वे दैट फील्ड ड्यू टू इट इज जीरो इनसाइड S1. अब S2 पे जो चार्ज है वो अगेन स्फेरिकल सर्फेस पे चार्ज है, तो स्फेरिकल सर्फेस पे चार्ज कैसा होना चाहिए कि अंदर में फील्ड जीरो हो जाए, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. तो ये भी फिर यूनिफॉर्म होगा, ऐसे डिसाइड होगा. और चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड कर लोगे तो उसे फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि फील्ड वगैरह भी कैसा है, वो भी तुम निकाल सकते हो. ठीक है, एक ये देखते हैं, अगर प्लस क्यू सेंटर पे नहीं रखा हुआ है, प्लस क्यू सेंटर पे नहीं रखा हुआ, एक ही केस है कि सेंटर इसका कहीं यहां पे है, अब ये जो हमने चार्ज रखा है ये कोई पी पॉइंट पे रखा है विच इज नॉट एट द सेंटर, तो इस बार कैसा होगा? तो डिस्ट्रीब्यूशन वाइज, चार्जेस वाइज अगर देखेंगे तो S1 पे कितना, अगर हमने इसको लेट से कैपिटल क्यू चार्ज दिया है, तो S1 पे कितना चार्ज आएगा? S1 पे तो माइनस क्यू आएगा, या अगेन सेम गॉसियन सरफेस लेके, तो S1 पे चार्ज आएगा माइनस क्यू, और S2 पे फिर कितना आएगा? ये आ जाएगा कैपिटल क्यू प्लस क्यू. चार्जेस कितना आ रहा है ये तो आसान है निकालना, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा ये अब सोचते हैं. तो पहले S1 पे सोचोगे, तो S1 पे जो माइनस क्यू हो रहा है वो इस बार यूनिफॉर्म होगा क्या? कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज से डिसाइडेड हो रहा है? कि S1 पे जो चार्ज है और कैविटी के अंदर जो हमने चार्ज रखा है, उसका मिला के फील्ड S1 के बाहर जीरो होना चाहिए, कैविटी सर्फेस के बाहर जीरो होना चाहिए. तो अगर S1 पे माइनस क्यू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गया,
तब तो ये सेंटर पे रखे हुए माइनस क्यू की तरह बिहेव करेगा, सेंटर पे रखे पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और प्लस क्यू तो सेंटर पे है नहीं, तो फिर उनका मिला के फील्ड बाहर में तो जीरो नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो तो डाइपोल की तरह बन जाएगा। ये समझ में आ रहा है? तो जीरो होने के लिए इस बार इस माइनस क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। और बाहर वाले सरफेस पर क्यू प्लस क्यू, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? तो उसके अकेले का फील्ड अंदर में जीरो होना चाहिए, सिर्फ बाहर में हो सकता है, अंदर में जीरो होना चाहिए। तो स्फेरिकल सरफेस है, अंदर फील्ड जीरो होने के लिए इसका तो डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी यूनिफॉर्म ही होगा, अभी भी यूनिफॉर्म होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर फील्ड लाइन्स बनाए, जैसे ऊपर वाले केस में हमने अंदर वाले पॉइंट्स पर फील्ड लाइन बनाया था, अंदर वाले पॉइंट्स पर फील्ड लाइन ऐसा था, बाहर वाले पॉइंट पर कैसा होगा? तो बाहर में जो फील्ड आएगा वो सिर्फ एस टू के कारण आएगा, तो एस टू वाला चार्ज तो यूनिफॉर्म था, तो ऐसा कुछ फील्ड लाइन आया होगा बाहर वाले पॉइंट पर। ये इस वाले केस का फील्ड लाइन था। अच्छा, फील्ड लाइंस कंडक्टर से हमेशा परपेंडिकुलर होगा, फील्ड लाइंस कंडक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। जैसे दूसरे केस में अगर फील्ड लाइंस बनाएंगे तो अंदर वाले पॉइंट्स पर फील्ड लाइंस ऐसा बनाना है, बाहर में तो फिर से यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि बाहर वाले पॉइंट्स में फील्ड है सिर्फ एस टू पे जो हमने चार्ज कैपिटल क्यू प्लस क्यू लिया है वो, और वो तो यूनिफॉर्म है, तो बाहर वाले पॉइंट्स पे तो फील्ड लाइंस ऐसा होगा स्फेरिकल सिमेट्री के साथ, बिकॉज यूनिफॉर्म स्फेरिकल चल गया। अंदर वाले पॉइंट्स पे इस बार फील्ड लाइन कैसा होगा? तो वो ऐसा रहेगा नॉन यूनिफॉर्म जैसा, तो वो इस प्लस क्यू से निकलेगा और माइनस क्यू जो एस वन पे उस पर जाके टर्मिनेट करेगा। लेकिन ये कुछ बिकॉज कि ये सेंटर पे नहीं है तो कुछ इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अच्छा, जो भी फील्ड लाइन्स कहीं भी अगर तुम कंडक्टर पे टर्मिनेट करा रहे हो ना, तो हमेशा नॉर्मली कराना है, फील्ड लाइन्स हमेशा नॉर्मली टर्मिनेट होगा कंडक्टर पे, फील्ड लाइन्स हमेशा नॉर्मली टर्मिनेट होगा कंडक्टर पे, क्योंकि हमने देखा था कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि सरफेस पे फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, तो फील्ड लाइंस ऐसा नॉर्मल नॉर्मल डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है, ऐसा हमने दिखा लिया, नॉर्मल रहेगा। तो अंदर में फील्ड लाइंस नॉन यूनिफॉर्म तरीके से रहेंगी, बाहर में फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म स्फेरिकल सिमेट्री के साथ रहेंगे। आई होप ये दोनों ही केसेस क्लियर है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये देखो, मेंस ये पहले के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, बट अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने लिया है। अ थिन स्फेरिकल कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस आर हैज चार्ज क्यू, अनदर चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल। तो सिचुएशन बना लेता हूं। तो एक स्फेरिकल शेल है, इस पे हमने चार्ज दिया है स्मॉल क्यू, और सेंटर पे हमने कैपिटल क्यू चार्ज रख दिया है, सेंटर पे कैपिटल क्यू ऐसा है। और फिर हमारे पास एक पी पॉइंट है, सेंटर से r बाई टू डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, और यहां पे हमें बताना है पोटेंशियल कितना है। अच्छा, इस बार अगर डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाता चार्जेस का, तो इसके अंदर वाले सरफेस पे चार्ज कितना होता? तो वो माइनस क्यू हो जाता, कंडक्टिंग शेल के अंदर वाले सरफेस माइनस क्यू, और बाहर वाले सरफेस पे क्यू प्लस जो हम चार्ज दे रहे हैं, सो दैट दोनों का मिला के चार्ज स्मॉल क्यू रहे, जो कि हमने दिया है। अब पोटेंशियल पूछा गया, पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो पी पॉइंट पर पोटेंशियल इन तीनों के कारण देखना है। तो अंदर पे जो चार्ज रखा हुआ है सेंटर पे, उसके कारण पोटेंशियल कितना होगा? तो उसके कारण हो जाएगा के क्यू अपॉन आर बाई टू, तो आर बाई टू में ये फिर टू ऊपर चला जाएगा, एक टर्म ये आएगा, और फिर पोटेंशियल किसके कारण आएगा? तो ये माइनस क्यू और क्यू प्लस क्यू, ये दोनों का रेडियस तो शेल अगर है तो शेल का अंदर एंड बाहर वाला रेडियस सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है, थिकनेस बहुत नेग्लिजिबल होता है शेल का, तो फिर इस कारण से माइनस कैपिटल क्यू वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये बन जाएगा के इंटू क्यू अपॉन आर, और के को अगर तुम 4 पाई 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दोगे तो उससे फिर तुम्हें ये सी ऑप्शन दिख जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, अगर फील्ड पूछा जाता इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पी पे पॉइंट पे पूछा जाता इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होता? तो ये जो माइनस क्यू है, अंदर वाले सर्फेस से माइनस क्यू आया है, ये यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है, और बाहर में जब आया है ये भी यूनिफॉर्म है, अभी हमने देखा था ना, क्योंकि जो क्यू है वो सेंटर पर रखा हुआ कैपिटल क्यू, तो इस कारण से अंदर वाले सरफेस पे भी यूनिफॉर्म है, बाहर पे तो एनीवेज यूनिफॉर्म होता, अगर सेंटर पे नहीं रखा होता तो भी बाहर वाले पे यूनिफॉर्म होता। तो हम फील्ड पी पॉइंट पे बता पाएंगे कि अंदर बाहर दोनों वाले शेल्स यूनिफॉर्म है तो उनके कारण जीरो होगा, तो सिर्फ जो हमने पॉइंट चार्ज रखा है सेंटर पे उसके कारण फील्ड होगा, और फील्ड कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा के क्यू अपॉन आर बाई टू का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये फील्ड हो जाएगा। खैर, अभी हमें सिर्फ पोटेंशियल पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, ये 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। A solid conducting sphere having a charge capital Q surrounded by an uncharged conducting hollow spherical shell. यानी कि इस बार कुछ ऐसा है कि एक हमारे पास solid sphere है, conducting sphere, और इसके बाहर में हमने ऐसा लगा दिया।
पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा चार्ज कैसा है? सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग अ चार्ज क्यू, तो इस पे चार्ज क्यू है, सराउंडेड बाय एन अनचार्ज, तो बाहर वाला भी अनचार्ज है, बाहर वाला अनचार्ज है. लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सर्फेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर एंड दैट ऑफ आउटर सर्फेस ऑफ द हॉलो शेल बी वी. पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो अभी चार्ज कैसा रहेगा कि अगर ये अनचार्ज है, अभी लेट से ये न्यूट्रल है, बाहर वाला न्यूट्रल है, तो अगर हमने क्यू अंदर वाले सर्फेस, अंदर वाले स्फीयर पे अगर क्यू रखा है, तो कंडक्टिंग शेल के अंदर वाले सर्फेस से माइनस क्यू आ जाएगा और बाहर में प्लस क्यू रहेगा, क्योंकि ओवरऑल जीरो चार्ज है. अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखोगे तो यहां पे फील्ड किसके कारण होगा? फील्ड अगर देखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली फील्ड से डिसाइड होगा ना, तो इन दोनों के बीच वाला जो रीजन है, इस रीजन में जो फील्ड होगा वो फील्ड सिर्फ अंदर वाले कैपिटल क्यू के कारण होगा, क्योंकि कंडक्टिंग शेल पे जो माइनस क्यू अंदर वाले सर्फेस पे और बाहर वाले सर्फेस पे क्यू है, ये दोनों ही यूनिफॉर्म होंगे, दोनों ही यूनिफॉर्म होंगे. तो ये फील्ड अंदर में ई, जो अंदर में हमने ये ई दिखा रखा है, डिपेंड्स ओनली ऑन क्यू, सिर्फ क्यू ऑन सॉलिड स्फीयर, सिर्फ उस पर डिपेंड करेगा. ये बात समझ में आ रही है ना? ठीक है. अच्छा, यहां पे जैसा कुछ नहीं बोला गया कि कैसा इसको रखा कैसे है, तो ऐसे कैसे हमेशा तुम्हें कॉन्सेंट्रिक मानना है कि जो हमने शेल रखा है दैट इज कॉन्सेंट्रिक विद द सॉलिड स्फीयर, तो ई डिपेंड्स करेगा ओनली ऑन द क्यू. तो अब हम क्या कर रहे हैं कि बोल रखा है कि अब हमने इसको न्यूट्रल से इसका चार्ज बढ़ा दिया, चार्ज को, इस शेल को हमने चार्ज माइनस क्यू दे दिया, तो वो देने से क्या होगा, मैं देखो यहीं पे चेंज कर दे रहा हूं कि ये जो न्यूट्रल था, इस न्यूट्रल के बजाय अब इसको हमने चार्ज दे दिया है माइनस फोर क्यू दे दिया. अच्छा, ये माइनस फोर क्यू देंगे तो इसका फर्क कहां पे पड़ेगा कि कंडक्टिंग शेल के अंदर वाले सर्फेस पे तो अभी भी माइनस कैपिटल क्यू ही रहेगा ना, क्योंकि वो तो अंदर पे रखे हुए चार्ज से डिसाइड होगा, अंदर पे रखे हुए चार्ज से डिसाइड होगा, क्योंकि अंदर में अगर क्यू है तो फिर कंडक्टिंग शेल के अंदर वाले पे माइनस क्यू ही होना चाहिए. वो गॉस लॉ से आएगा कि अगर मैं स्फेरिकल शेल के अंदर वाले पॉइंट्स को मिला के एक गॉसियन सर्फेस बनाऊंगा तो उस गॉसियन सर्फेस से फ्लक्स जीरो होगा, बिकॉज कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे फील्ड जीरो है, तो ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो जीरो आ जाएगा. तो फ्लक्स जीरो अगर होगा तो फिर अंदर में चार्ज इंक्लूड जीरो होना चाहिए. तो अगर सॉलिड स्फीयर पे क्यू है तो इस शेल के अंदर वाले सर्फेस में माइनस क्यू होना चाहिए. तो जो हम चार्ज दे रहे हैं उससे अंदर वाले उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये वाला जो माइनस क्यू है ये अनचेंज रहेगा, अनचेंज्ड, ये अनचेंज रहेगा. फर्क इस पे पड़ेगा कि ये जो क्यू है ये चेंज हो जाएगा, और ये कितना चेंज होगा, तो अंदर एंड बाहर वाले का मिला के चार्ज अब हो जाएगा माइनस फोर क्यू, बिकॉज हमने उतना दिया है माइनस फोर क्यू दिया है, तो उसके लिए इसको कितना होना पड़ेगा, तो ये चेंज होके माइनस ऑफ थ्री क्यू हो जाएगा. सो दैट अंदर वाला माइनस क्यू और ये माइनस थ्री क्यू मिलकर माइनस ऑफ फोर क्यू हो जाएगा. लेकिन फील्ड अभी भी, फील्ड चेंज होने के बाद भी फील्ड इसी पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगेन अभी भी जो जो शेल है उसके जो अंदर एंड बाहर वाले सर्फेस पे चार्जेस हैं उनका अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, बिकॉज दोनों ही यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल्स हैं. तो अगर फील्ड वही रह गया, ई स्टिल रिमेन्स सेम, ई स्टिल रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम आफ्टर गिविंग चार्ज, आफ्टर आफ्टर गिविंग चार्ज, जो हमने चार्ज दिया है वो देने के बाद भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में वही रहेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ अंदर जो सॉलिड स्फीयर है उस पर डिपेंड कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी वही होगा. तो इसका आंसर डी ही, डी रह जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वही वी रह जाएगा जो पहले था. आई होप दिस इज क्लियर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें चलते हैं. ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो ध्यान से. एक शेल है कंडक्टर का बना हुआ है, अंदर एंड बाहर वाला रेडियस दे रखा है, अंदर एंड बाहर वाला रेडियस अलग अलग है, तो अंदर वाला रेडियस दे रखा है स्मॉल ए और बाहर वाला रेडियस दे रखा है स्मॉल बी, ऐसा. और अंदर में हमने एक डाइपोल रख दिया है. डाइपोल का मतलब क्या होगा कि एक प्लस क्यू होगा और एक माइनस क्यू होगा. तो ए पार्ट में बोल रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस डिपेंड्स ऑन पी, आउटर सरफेस. तो आउटर सरफेस पर हमने देखा था ना कि आउटर सरफेस पर चार्ज किस पर डिपेंड करता है. जो भी हम यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, तो इस बार कैसा आएगा, मैं अगर थोड़ा बड़ा डायग्राम बना दूं, तो लेट्स से ये अंदर वाला सरफेस है और बाहर वाला सरफेस ये है, और ये मटेरियल ऑफ द कंडक्टर है. और अच्छा, डाइपोल को अगर मैं दोनों चार्जेस डाइपोल का दिखा दूं, चलो यहीं पे दिखा देते हैं कि अगर डाइपोल मोमेंट ऐसा है तो यहां पे रहा होगा प्लस क्यू ऊपर में और नीचे में रहा होगा माइनस क्यू. डाइपोल में ऐसा होता है ना, प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों होते हैं. तो इस बार अगर देखोगे तो चूंकि अंदर में इंक्लोज चार्ज जीरो है, अंदर में इंक्लोज चार्ज जीरो है, प्लस क्यू और माइनस क्यू जीरो है, तो फिर अंदर वाले सरफेस पे चार्ज जीरो हो जाएगा. लेकिन चूंकि इस बार प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों प्रेजेंट है,
तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो यूनिफॉर्मली जीरो नहीं होगा, यूनिफॉर्मली जीरो नहीं होगा. यहां पे कुछ ऐसा होगा कि जहां पे प्लस क्यू है इधर कुछ नेगेटिव चार्ज होगा, और जहां पे माइनस क्यू है उसके पास थोड़ा पॉजिटिव चार्ज होगा. ओवरऑल जीरो रहेगा, ओवरऑल जीरो रहेगा. कि अगर मैंने अंदर इसको एस वन बोल दिया और इसको एस टू बोल दिया तो एस वन पे जीरो रहेगा, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म तरीके से जीरो रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से जीरो रहेगा. जैसे एक बी ऑप्शन है ना कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस ऑफ द शेल इज जीरो एवरीवेयर, तो ये गलत है, ये गलत है. ये नॉन यूनिफॉर्म तरीके से जीरो तो होगा बट हर जगह जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहां पे प्लस क्यू माइनस क्यू दो चार्ज दोनों सेपरेटेड हैं. ठीक है, फिर बाहर वाले सरफेस पे अगर देखेंगे तो बाहर वाले सरफेस पे जो भी हम चार्ज दे रहे हैं तो चार्ज कैपिटल क्यू है, तो बाहर वाले सरफेस पे ये कैपिटल क्यू चार्ज रहेगा. और ये कैपिटल क्यू जो रहेगा एस टू पे, कैपिटल क्यू, इसका फील्ड रीजन क्या था, मतलब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था कि अंदर में जो प्लस क्यू माइनस क्यू था उसका और एस वन वाले चार्ज का मिला के फील्ड जीरो होना चाहिए था. तो चूंकि वो प्लस क्यू और माइनस क्यू डाइपोल था, इस कारण से अगर उसका फील्ड बाहर में है तो एस वन अगर यूनिफॉर्म तरीके से अनचार्ज हो जाएगा तब तो उसका फील्ड रहेगा नहीं, तो फिर डाइपोल के फील्ड को कैंसिल कौन करेगा. तो इसी कारण एस वन पे नॉन यूनिफॉर्म तरीके से जीरो चार्ज है, सो दैट डाइपोल के फील्ड को कैंसिल कर दे. तो उसके लिए एस वन वाला सर्फेस का भी फील्ड आना चाहिए. जबकि एस टू सर्फेस के लिए रूल क्या है कि उस वाले सर्फेस का फील्ड सिर्फ एस टू के अंदर होना चाहिए, बाहर में जीरो, अंदर जीरो होना चाहिए, सिर्फ बाहर में होना चाहिए. तो अंदर जीरो होने के लिए ये क्यू जो होगा ये तो यूनिफॉर्म होगा. तो अब देखो, अब सारे पॉइंट्स तुम्हें पता चल जाएंगे. ए बोल रखा है कि सर्फेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सर्फेस डिपेंड्स ऑन पी, तो ये तो गलत है, पी का तो कोई रोल ही नहीं है. ठीक है, वो तो यूनिफॉर्म है. सी बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल इज सेम एज दैट ऑफ अ पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द शेल, तो ये सही है. बिकॉज बाहर वाले सर्फेस पर चूंकि यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज है तो सेंटर पर रखे पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा. डी में बोल रहा है सर्फेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सर्फेस इज यूनिफॉर्म एंड इज इक्वल टू ये, तो ये तो गलत है. अभी हमने देख लिया कि नॉन यूनिफॉर्म होगा, कहीं पॉजिटिव होगा कहीं नेगेटिव होगा. तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, 2019 में आया था. एक ये इस तरह का कैटेगरी देखते हैं, कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स हैं. तो इसमें एक क्वेश्चन ये हमने दे रखा है, देखो तीन कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं और चार्जेस हमने दे रखा है. ए पे चार्ज दिया है क्यू, ऐसा चार्जेस जो हमने दिया है वो दिया है, ए पे दिया है क्यू चार्ज, बी पे दिया है टू क्यू चार्ज और सी पे दिया है माइनस क्यू चार्ज. और हमें रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन द इनर एंड आउटर सर्फेस ऑफ शेल्स ही सबसे बाहर वाले पे बताना है. तो सबसे ऐसे केसेस में सबसे अंदर से स्टार्ट करो. तो सबसे अंदर वाला जो शेल होगा ए शेल, उस ए शेल के अंदर हमने कोई चार्ज नहीं रखा है तो उसके अंदर वाले सर्फेस पे जीरो चार्ज होगा, यहां से स्टार्ट करेंगे. उसके बाहर वाले सर्फेस पे फिर पूरा चार्ज चला जाएगा, तो पूरा चार्ज जो क्यू है वो उसके बाहर वाले सर्फेस पे चला जाएगा. अब फिर अगला जो शेल है उस अगले शेल के अंदर वाले सर्फेस पे इसका अपोजिट चार्ज चला जाएगा, वो जाएगा माइनस क्यू. ये कैसे जा रहा है, तो जो बीच वाला बी शेल है उस बी शेल के थिकनेस के अंदर पॉइंट्स लेके अगर एक गॉसियन सर्फेस बनाओगे तो उस गॉसियन सर्फेस से फ्लक्स जीरो हो जाएगा. कंडक्टर के अंदर में सारे पॉइंट्स है, फील्ड जीरो है, तो उसमें क्यू इंक्लोज होना चाहिए. तो उसमें क्यू इंक्लोज में अंदर में जो क्यू आया है उसके जीरो करने के लिए फिर जो बीच वाला शेल है उसके अंदर वाले सर्फेस में माइनस क्यू आ जाएगा, सो दैट टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय दैट सर्फेस बिकम्स जीरो. ठीक है, तो बाहर में कितना आएगा, तो जो हमने चार्ज दिया, तो हमने चार्ज दिया टू क्यू, तो ये माइनस क्यू और वो मिलकर टू क्यू होना चाहिए, तो उसके लिए फिर इसको बाहर में थ्री क्यू होना चाहिए, तब जाके थ्री क्यू माइनस क्यू टू क्यू बन जाएगा. अब ये थ्री क्यू आया तो फिर इसका जो फेसिंग सर्फेस बाहर वाले शेल का अंदर वाला सर्फेस है इस पर माइनस थ्री क्यू हो जाएगा, इस पर माइनस थ्री क्यू, और इस पर माइनस थ्री क्यू है तो फिर बाहर पे कितना होना पड़ेगा, सो दैट टोटल माइनस क्यू हो, तो उसके लिए इसको टू क्यू होना पड़ेगा, तब जाके माइनस थ्री क्यू प्लस टू क्यू करेंगे तो माइनस क्यू आएगा. तो ऐसे करना है कि स्टार्ट करना है सबसे अंदर वाले शेल से स्टार्ट करना है, और अभी अंदर वाले शेल के अंदर कोई चार्ज नहीं था तो अंदर वाले सर्फेस पे जीरो हो गया, बाहर पे फिर चार्ज कंजर्वेशन से आ गया, फिर उसके बाहर वाले शेल के अंदर वाले सर्फेस पे नेगेटिव चार्ज कर दोगे क्यू है तो माइनस क्यू कर दोगे. तो ऐसे करते रहना है कि हमेशा जो फेसिंग सर्फेसेस होंगे ना उन पे चार्ज अपोजिट होगा. तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द इनर सर्फेस एंड आउटर सर्फेस ऑफ द शेल, तो वो माइनस थ्री क्यू है इनर पे और आउटर पे है टू क्यू, तो ये माइनस ऑफ थ्री अपॉन टू आ जाएगा, माइनस ऑफ थ्री अपॉन टू. तो इसमें आंसर एक मिनट, हमारा क्या आ रहा है, माइनस क्यू हमने दिया है ना, तो जीरो क्यू फिर माइनस क्यू और थ्री क्यू, ठीक है, और माइनस थ्री क्यू और टू क्यू. ओके, तो इसका आंसर में ये करेक्शन होगा, ये आंसर सी नहीं होगा, आंसर विल बी डी, ये डी, ये गड़बड़ा थोड़ा, ये आंसर डी होगा इसका, ये हो जाएगा ऑप्शन. फिर बात करते हैं कंडक्टिंग शीट. तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको ध्यान से देखना कि कंडक्टिंग शीट पे जो भी हम चार्ज देते हैं, जो भी चार्ज हम देते हैं,
तो चार्ज अगर हम क्यू देते हैं, तो अगर एक ही शीट है तो दो सर्फेसेज है, तो दोनों सर्फेसेज पर चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाता है, क्यू बाई टू और क्यू बाई टू। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होता, लेट से यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो टोटल चार्ज के टर्म्स हम लिख सकते हैं, तो टोटल चार्ज अगर क्यू है तो टोटल चार्ज के टर्म्स में क्यू बाई टू ए एप्साइलन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जहां पे ए जो है उसका एरिया है, ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट। एक होता है सिग्मा के टर्म्स में, तो सिग्मा के टर्म्स में कंडक्टर्स में जो सिग्मा डिफाइंड होता है ना, वो एक सर्फेस का सिग्मा डिफाइंड होता है। तो यहां पे अगर राइट वाले सर्फेस का सिग्मा देख रहे हैं तो वो सिग्मा कुछ ऐसा हो जाएगा, और चूंकि लेफ्ट वाले पे भी क्यू बाई टू ही है तो इसका भी सिग्मा हो जाएगा। और फिर अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं तो इस सिग्मा के टर्म्स में ये सिग्मा बाई एप्साइलन नॉट होगा, सिग्मा बाई एप्साइलन नॉट होगा। ये बात समझ में आ रहा है? देखिए, इस बार कंडक्टिंग सर्फेस पे सिग्मा का मतलब ये होता है कि एक सर्फेस पे सिग्मा। तो ऐसे राइट वाले सर्फेस पे जो सिग्मा है दैट इज क्यू बाई टू ए, क्यू बाई टू ए ये सिग्मा हो जाएगा, और लेफ्ट में भी सिग्मा है, और सिग्मा एक सर्फेस का डिफाइंड है और उसके टर्म्स में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। टोटल चार्ज के टर्म्स में क्यू बाई टू ए एप्सिलॉन नॉट होगा। यहां पे जो सिग्मा है दैट इज क्यू अपॉन टू एक सर्फेस पे अपॉन ए, ये आ जाएगा। अगर सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट्स, मान लो दो दो चार्ज, दो प्लेट्स का सिस्टम है और दोनों पे अगर हमने चार्ज दे दिया, मान लो एक पे हम चार्ज दे रहे हैं, इस पे हमने चार्ज दिया है माइनस क्यू दे दिया और इस पे चार्ज हमने दे दिया टू क्यू दे दिया। अब अगर बताना है हमें तो इसको ध्यान से देखना, इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या करूँ कि सबसे बाहर वाले सर्फेसिस पे जो फील्ड होता है वो होता है नेट चार्ज ऑन द सिस्टम अपॉन टू क्यू आउटर मोस्ट सर्फेसिस। क्यू आउटर सर्फेसिस में जो होता है वो होता है चार्ज ऑन सिस्टम अपॉन टू। तो यहां पे सिस्टम पे टोटल चार्ज हमने जो दिया है, एक पे माइनस क्यू दूसरे पे टू क्यू, यानी कि क्यू है, तो ये बन जाएगा क्यू बाई टू क्यू बाई टू। बाहर वाले सर्फेसिस पे ये चार्ज हो जाएगा क्यू बाई टू क्यू बाई टू, और उसके बाद फिर चार्ज कंजर्व कर लोगे। तो जैसे लेफ्ट वाले प्लेट पे अगर टोटल चार्ज माइनस क्यू है तो फिर यहां पे कितना बनना पड़ेगा, यहां पे माइनस ऑफ थ्री क्यू बाई टू बनना पड़ेगा, सो दैट माइनस थ्री क्यू बाई टू प्लस क्यू बाई टू वो मिलके फिर हमें माइनस क्यू मिल जाए, और फिर राइट वाले पे आ जाएगा थ्री क्यू अपॉन टू। तो वो हमेशा होगा कि फेसिंग सर्फेसिस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, फेसिंग सर्फेसेस हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज। तो ये सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट्स में ये ध्यान रखना है, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट्स के लिए कर रहे हैं। मैं इसको एक बार हेडिंग में लिख देता हूं, ये हो रहा है सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट्स, तो उसके लिए ये रूल होता है। अच्छा, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो इसमें ध्यान से देखना कि अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहां पे एक पॉइंट लिया, पॉइंट वन लिया, तो इस पॉइंट वन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस पॉइंट वन के पास जो सरफेस है उसके सिग्मा के टर्म्स में हो जाएगा। तो लेट्स से इसमें जो सर्फेसिस का नाम दे दूं, वन टू थ्री फोर, तो वन सर्फेस के पास जो पॉइंट है, यहां पर अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ई1 बोल रहा हूं, तो ये E1 की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा 1 कितना होगा, तो इस पे तो चार्ज Q by 2 है, तो ये आ जाएगा Q by 2 A एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा Q by 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि 1 चार्ज के लेफ्ट में अगर देखोगे तो दोनों प्लेट्स का मिलाकर टोटल चार्ज Q है, तो Q by 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। वैसे अगर 4 पे देखोगे तो 4 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, 4 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा E4, और ये भी इतना ही होगा ना, बिकॉज 4 के पास भी जो सिग्मा है 4 वाले सर्फेस वो भी यही है। अच्छा, ये जो आ रहा है ना E1 E4, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। कुछ बच्चे को लगता है कि ये E1 जो है वो सिर्फ वन सर्फेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पे चार सर्फेसेस है ना, चारों सर्फेसेस पे चार्ज है, 1 2 3 4, चार सर्फेसेस है, चारों सर्फेसेस के ऊपर चार्ज है। बट जो मैं ये E1 E4 लिख रहा हूं ना, ये सिर्फ E1 लिखने में सिर्फ वन वाले सर्फेस का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में बाकी चार्जेस का भी रोल है, जैसे कि अब वन वाले पे चार्ज कितना आया, क्यू बाई टू आया ना, वो क्यू बाई टू में दूसरे वाले प्लेट का ऑलरेडी रोल हो चुका है। तो ये जो E1 E4 है ना, दिस आर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें सारे चार्जेस का रोल है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन ऑल सर्फेसेस, सारे सर्फेसेस पे चार्ज के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऑल सर्फेसेस में 1 2 3 4, ये चारों सर्फेसेस आएंगे, सबका मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन वन वाले पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सबका मिला के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अब वो सिग्मा 1 में बाकी सारे चार्जेस का रोल आ गया, लेफ्ट प्लेट में जो चार्ज था उसी को मिला के हमने क्यू सिस्टम अपॉन टू किया ना, तो लेफ्ट वाले प्लेट का उसमें रोल है। 3 और 2 पे अगर देखोगे
तो टू पे देखोगे तो टू वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर लेफ्ट की तरफ होगा बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है, और थ्री पे भी कुछ लेफ्ट की तरफ ही होगा, थ्री पे भी लेफ्ट की तरफ ही होगा, और वो फेसिंग सर्फेसिस टू एंड थ्री पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। तो फिर अंदर वाले रीजन में तुम फील्ड सिग्मा टू को यूज करो या सिग्मा थ्री को यूज करो सेम ही आएगा, बिकॉज सिग्मा टू सिग्मा थ्री हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड थ्री और टू सेम होगा, डायरेक्शन मैंने दिखा रखा है, और कितना होगा तो ये आएगा 3Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये अगेन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें चारों सर्फेसिस का रोल है। तो मैं 2 के पास जाऊंगा तो भी यही लिखूंगा, 3 के पास जाऊंगा तो 3 का यूज करूंगा तो भी यही आएगा। तो बेसिकली इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जो होगा ना, अंदर में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। तो ऐसे सिस्टम पैरेलल प्लेट्स के बीच में अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। चलो एक ये क्वेश्चन देखते हैं, वैसे तो एक कैपेसिटर का क्वेश्चन है बट अगेन सिस्टम पैरेलल प्लेट्स है तो अभी हम देख लेते हैं। बोल रखा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और एक प्लेट पे हमने चार्ज दे दिया है 2 माइक्रो कूलम और दूसरे पे 4 माइक्रो कूलम। तो लेट्स से इस पे है 2 माइक्रो कूलम्स और इस पे है 4 माइक्रो कूलम्स, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है इन दोनों के बीच में कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो इसमें अगर देखोगे तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन अगर करोगे तो चार्ज ऑन सिस्टम कितना है, चार्ज ऑन सिस्टम है 6Q 6 माइक्रो कूलम, तो अपॉन 2 करोगे तो 3 माइक्रो कूलम और 3 माइक्रो कूलम ये बाहर वाले सर्फेसिस पे चार्ज आ जाएगा और फिर अंदर वाले पे चार्ज कंजर्वेशन से आ जाएगा। तो इस पे हो जाएगा माइनस ऑफ 1 माइक्रो कूलम और 4 माइक्रो कूलम के लेफ्ट वाले सर्फेस पे हो जाएगा प्लस 1 माइक्रो कूलम, ऐसा हो जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा। और इसमें अगर देखोगे तो ये प्लस 1 माइक्रो कूलम और माइनस 1 माइक्रो कूलम ये दोनों मिलकर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, तो ये अंदर वाले सर्फेसिस फेसिंग सर्फेसिस वो दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, तो वो कैपेसिटर की तरह काम करते हैं कि द फेसिंग सर्फेसिस बिहेव एज कैपेसिटर, सर्फेसिस बिहेव एज कैपेसिटर, कैपेसिटर की तरह काम करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो गया। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच में, तो कैपेसिटर अगर है तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है Q = CV, तो V हो जाता है Q/C। तो चार्ज कितना है 1 माइक्रो कूलम, तो 1 माइक्रो कूलम अपॉन 1 माइक्रो फैराड, तो ये आ जाएगा 1 वोल्ट आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा दोनों के बीच में, अगर चार्ज लेट से 1 माइक्रो कूलम को अगर मैंने Q बोल दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा Q/A एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, और इनटू सेपरेशन करेंगे D, तो फिर ये वही आ रहा है Q/C आ रहा है, वैसे भी आ जाएगा। हमने Q किसको बोला है, Q बोला है 1 माइक्रो कूलम को, तो Q/A सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है, और Q/A एप्सिलॉन नॉट फिर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से फील्ड आ गया इनटू D कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा जो कि Q/C है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट ये देखते हैं दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करने से क्या होता है, दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करने से क्या होता है। तो इसमें एक काफी कॉमनली क्वेश्चन आता है स्फेरिकल कंडक्टर्स, कि एक स्फेरिकल कंडक्टर ये है Q1 है, इसका रेडियस R1 है, और फिर हमने इसको एक दूसरे कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया है, इसका चार्ज Q2 है और रेडियस R2 है, और फिर हम स्विच क्लोज कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्विच है और इस स्विच को क्लोज कर रहे हैं। तो आफ्टर स्विच इज क्लोज चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं, आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड चार्ज फ्लोज और फाइनली क्या होता है, फाइनली तो चार्ज तब तक फ्लो करेगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, बिकॉज एक तरह से ये कनेक्टिंग वायर हो गया बीच में, तो वायर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करता रहेगा तो चार्ज चेंज होता रहेगा। तो फाइनली ये होता है कि पोटेंशियल दोनों का बराबर होगा। तो दोनों का चार्जेस चेंज हुआ, तो लेट्स अगर मैंने चार्जेस का चेंज मान लिया कि ये Q1 जो था ये Q1 से चेंज होके स्मॉल Q1 बन गया, और ये Q2 जो था ये Q2 से चेंज होके स्मॉल Q2 बन गया, तो एक बनेगा कि V1 = V2, यानी कि फाइनल चार्जेस के टर्म्स अगर लिख रहे हैं तो ये आ जाएगा KQ1/R1 = KQ2/R2, एक ही आ जाएगा। अच्छा, ये पोटेंशियल लिखते समय हमने क्या किया है कि लेफ्ट वाले शेल का पोटेंशियल, लेफ्ट वाले स्फीयर का पोटेंशियल लिखने के लिए ये दोनों कंडक्टर्स हैं, कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं, तो ये 1 था और ये 2 है, तो 1 का पोटेंशियल लिखते समय मैंने बस KQ1/R1 लिख लिया, तो इसके लिए क्वेश्चन ये दे रखा होता है कि ये दोनों थोड़े दूर रखे हुए हैं,
नहीं भी मेंशन है तो बाय डिफॉल्ट हमें ये माना कि दोनों दूर रखे हुए हैं, तो वन का पोटेंशियल लिखते समय सिर्फ वन का चार्ज आएगा, दूसरे का इन्फ्लुएंस यहां तक नहीं होगा। तो यहां से एक आ जाता है कि Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, एक ही आता है, और एक फिर बनेगा चार्ज कंजर्वेशन, दूसरा जो बनेगा इक्वेशन दैट इज चार्ज कंजर्वेशन, कि दोनों का मिला के चार्ज तो अभी भी रहेगा, तो स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2 दैट इज इक्वल टू कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2। तो यहां से तुम अगर लेट से Q1 निकालना तो Q2 को रिप्लेस कर दो, तो Q1 प्लस Q2 की जगह हमने डाला R2 अपॉन R1, Q2 की जगह अगर हम डाल रहे हैं तो Q2 देखोगे तो R2 अपॉन R1 इंटू Q1 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो यहां से Q1 आ जाएगा हमारे पास R1 अपॉन R1 प्लस R2 और इंटू Q1 प्लस Q2, ये आ जाएगा वन वाले स्फेयर पे फाइनल चार्ज, और दूसरे वाले पे तो Q2 फिर हो जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 और इंटू Q1 प्लस Q2, ये दूसरे वाले पे आ जाएगा। तो ये काफी कॉमनली पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक ये देखते हैं, टू स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं केप्ट अपार्ट एट सम डिस्टेंस, और ये सम डिस्टेंस को हमेशा थोड़ा दूर से ही मानना है स्फेरिकल कंडक्टर्स है। तो ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है इक्वल रेडियाई और कैरिंग, एक ये है और एक ये है, तो ऐसा दूर रखा हुआ है, ये बी है और ये सी है, कैरिंग इक्वल चार्जेस, तो लेट से चार्ज क्यू है और ये क्यू है, और इन दोनों के बीच में फोर्स एफ लग रहा है, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर डिस्टेंस आर है तो एफ की वैल्यू हो जाएगी के क्यू वन क्यू टू यानी के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, ये फोर्स लगेगा। अब बोल रहा है कि एक थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग सेम रेडियस एज दैट ऑफ बी बट अनचार्ज्ड, यानी आइडेंटिकली है वो भी लेकिन अनचार्ज्ड है, फिर उसको हमने बी से कॉन्टैक्ट में लाया, फिर सी से लाया और फाइनली रिमूव अवे कर दिया, ठीक है। तो पहले हम बी के पास ला रहे हैं, तो हमने एक सी लिया, तो सी को अगर हमने टच किया बी से, टचिंग विथ बी, विथ बी, तो अब बी और सी आइडेंटिकल हैं, तो आइडेंटिकल स्फेयर्स होंगे, तो उनको अगर टच करेंगे तो पोटेंशियल दोनों का सेम होने का, टच करने का मतलब यही है कि एक तरह से हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया है, टच करने का मतलब कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्ट करने से पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो अगर आइडेंटिकल स्फेयर्स हैं कंडक्टिंग स्फेयर्स तो उन पर पोटेंशियल सेम होने के लिए चार्जेस बराबर ही होगा, तो अगर टच हमने बी पे कर दिया तो फिर ये हो जाएगा सी को अगर बी से टच करेंगे तो चार्ज ऑन बी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जो पहले दोनों का मिला के चार्ज था, तो एक पे चार्ज क्यों है, सी तो अनचार्ज है, क्यू प्लस जीरो अपॉन टू इक्वली शेयर हो जाएगा, यानी कि क्यू बाई टू चार्ज आ जाएगा, चार्ज ऑन बी हो जाएगा। फिर क्या कर रहे हैं कि फिर हम इसको हैविंग सेम रेडियस एज दैट ऑफ बी बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ बी देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ सी, सॉरी ये ए है, ए है एक नया जो कंडक्टर उसका नाम हमने लेट से ए दे दिया है थर्ड कंडक्टर का, तो पहले हमने ए को बी से टच किया तब ये हो गया, अब हम क्या कर रहे हैं कि ए को सी से टच कर रहे हैं, इसके बाद हम टच कर रहे हैं सी से, टचिंग विथ सी, तो सी से टच करेंगे तो फिर से चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बिटवीन ए एंड सी, तो अब सी पे चार्ज कितना बच जाएगा, तो वो ए पे चार्ज कितना था, तो ए पे चार्ज क्यू हो गया, क्यू बाई टू हो गया था, ए को बी से जब टच किया था तो क्यू बाई टू हो गया था, और प्लस सी पे क्यू था पहले अपॉन टू, ये बन जाएगा इक्वली शेयर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3Q अपॉन। तो अब फाइनल चार्जेस क्या है, फाइनल चार्जेस अगर देखेंगे तो बी पे है हमारे पास क्यू बाई टू और सी पे है हमारे पास 3Q बाई 4। तो अगर अब फोर्स देखोगे, अब नया फोर्स देखोगे, लेट से उसको मैं एफ डैश बोल रहा हूं, तो के इंटू क्यू बाई टू और इंटू 3Q बाई 4 और अपॉन सेपरेशन सब तो हमने नहीं चेंज किया तो आर स्क्वायर, तो ये अगर देखोगे तो 3/8 आ रहा है और बाकी जो KQ स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है वो तो ओरिजिनल फोर्स था, तो फिर इसमें आंसर हो जाएगा 3F अपॉन 8, ये फोर्स हो गया होगा। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि दो अगर आइडेंटिकल कंडक्टर्स हैं उनको अगर हम टच कराएंगे तो उनमें चार्ज इक्वली शेयर हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल फाइनली बराबर होने के लिए दोनों पे चार्जेस सेम होना चाहिए और चार्ज कंजर्व भी होना चाहिए, तो दोनों का मिला के टच करने से पहले जो चार्ज था वो दोनों चार्जेस को ऐड कर लो और अपॉन टू कर दो, वो फाइनल चार्जेस होंगे दोनों में आफ्टर टचिंग,
तो यहां पे था कि एक ए तीसरा एक स्क्वायर था ए, उसको पहले बी से टच किया, तो बी से टच किया तो ए और बी का चार्ज मिला के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों में, और फिर ए को ले जाकर सी से टच कर रहे हैं, तो फिर से जो ए और सी का चार्ज मिला के था वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो उससे फिर हम बी और सी पे फाइनल चार्जेस निकाल के फिर फोर्स निकाल रहे हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, मेंस में आया हुआ है। एक ये देखते हैं अर्थिंग कंडक्टर, तो ये सिंपल होता है कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को अर्थ करते हैं, लेट से कई कंडक्टर है, मान लो कंडक्टर है और इस पे चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, लेट से स्फेरिकल कंडक्टर है, और फिर हमने ऐसा एक स्विच अरेंजमेंट बना लिया और फिर हम स्विच क्लोज कर रहे हैं, तो अर्थिंग करने का मतलब ये होता है कि जिस भी कंडक्टर को अर्थ कर रहे हैं तो पोटेंशियल ऑफ अर्थ कंडक्टर, जिस भी कंडक्टर को अर्थ किया उसका पोटेंशियल फिर जीरो हो जाएगा। तो अगर हमने ये स्विच क्लोज किया, लेट से ये स्विच क्लोज कर रहे हैं, तो ये स्विच क्लोज करने से ये जो क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज चेंज होकर लेट से स्मॉल क्यू बन गया, तो इससे स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी होगी, तो पोटेंशियल जीरो हो जाना चाहिए, तो ये तो आइसोलेटेड है, तो के क्यू बाई आर इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से आ जाएगा कि चार्ज इस पे जीरो हो जाएगा। तो अगर एक अकेला कंडक्टर है तो उसका पोटेंशियल जीरो होने के लिए उस पे चार्ज जीरो होना चाहिए, अगर एक ही कंडक्टर है और कोई चार्ज है नहीं आसपास तो पोटेंशियल जीरो होने के लिए उस पे चार्ज जीरो होना चाहिए, तो चार्ज यहां पे जीरो हो जाएगा फाइनली, अगर अर्थ करना कर रहे हैं तो चार्ज जीरो हो जाएगा। तो फिर इसमें पूछा था कि कितना चार्ज फ्लो किया है, स्विच से कितना चार्ज फ्लो किया है, तो यहां पे अगर चार्ज का फ्लो देखोगे तो ये स्विच से होके अर्थ में ये कैपिटल क्यू जो भी चार्ज था ये अर्थ में चला गया, कि पहले कैपिटल क्यू था फाइनली जीरो हो गया, तो ये कैपिटल क्यू चार्ज अर्थ में चला गया, इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। एक इसमें कभी कभी पूछा जाता है ऐसा कॉन्सेंट्रिक सेल्स जैसा सिस्टम देखे और फिर इसमें पूछा जाता, तो ये देख लेते हैं एक क्वेश्चन। इसे बोल रहा है टू कंडक्टिंग थिन कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, रेडियस आर एंड थ्री आर, आउटर शेल पे चार्ज क्यू है और इनर शेल न्यूट्रल है, यानी कि आउटर पे चार्ज ये क्यू है और इनर पे अभी कोई चार्ज नहीं है, और फिर हम इसको अंदर वाले को अर्थ कर रहे हैं, तो अगर हम अर्थ करेंगे लेट से हमने स्विच क्लोज कर दिया, तो लेट से अंदर वाले शेल पे चार्ज लेट से क्यू डैश आ गया, लेट से ये क्यू डैश आ गया आफ्टर अर्थिंग, पहले ये जीरो था, ये क्यू था, ये जीरो था, तो लेट से ये जीरो से चेंज होके ये क्यू डैश हो गया आफ्टर द स्विच इज क्लोज, ये क्यू डैश हो गया, तो अब जिसको अर्थ कर रहे हैं उसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, तो ये क्यू डैश इससे डिसाइड हो जाएगा कि अंदर वाले का पोटेंशियल जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो पोटेंशियल ऑफ द इनर जो हमारे पास शेल है उसको इनर शेल उसको अर्थ करें, तो जिसको अर्थ करेंगे उसका पोटेंशियल जीरो करना है। अब इस बार उसका पोटेंशियल लिखने में वो आइसोलेटेड नहीं है, तो उसके पास एक और कॉन्सेंट्रिक शेल है, तो दोनों का मिला के हमें पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, तो पोटेंशियल बन जाएगा अपने चार्ज के कारण k q डैश बाई स्मॉलर, और प्लस बाहर वाले पे जो चार्ज है वो तो अनचेंज रहेगा बिकॉज उसको हमने कहीं से नहीं कनेक्ट किया, तो उस पर तो चार्ज वही रहेगा, तो k q/3r इज इक्वल टू जीरो, यहां से क्यू डैश की वैल्यू हो जाएगी q/3 विद था माइनस साइन, ये क्यू डैश की वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें क्वेश्चन फिर ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज विच फ्लोज फ्रॉम इनर शेल टू द अर्थ, तो लैंग्वेज पे ध्यान देना है, फ्रॉम इनर शेल टू द अर्थ, तो इनर शेल पे पहले जीरो चार्ज था और फाइनली माइनस क्यू बाई थ्री चार्ज आ गया, तो जीरो चार्ज से माइनस क्यू बाई थ्री चार्ज आ गया, दैट मीन्स इससे चार्ज निकल के गया होगा, तो इससे चार्ज इधर फ्लो कर गया होगा, कितना फ्लो कर गया होगा, तो क्यू बाई थ्री फ्लो किया होगा, तब जाके इनिशियली जीरो था, क्यू बाई थ्री निकल गया, तो माइनस क्यू बाई थ्री हो जाएगा फाइनल चार्ज, तो इसमें माइनस क्यू बाई थ्री और क्यू बाई थ्री दोनों था, तो एग्जाम में जल्दीबाजी में गलती नहीं करनी है, थोड़ा लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा चार्ज फ्लो पूछा गया। अगर ये पूछा जाता कि अर्थ से कितना चार्ज फ्लो किया है शेल में, तो उसमें माइनस क्यू बाई थ्री आंसर होता, तो लैंग्वेज को केयरफुली पढ़ना है कि तुमसे पूछा कौन सा चार्ज गया, सबको सही करके भी आंसर गलत कर सकते हो, लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दोगे तो। चलो एक लास्ट चीज देख लेते हैं कंडक्टर्स का, इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि एक हमारे पास चार्ज्ड स्फेरिकल सरफेस है, चार्ज स्फेरिकल सरफेस है, इस पे सिग्मा इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इसमें ये होता है कि ये स्फेरिकल सरफेस हर पॉइंट पे एक प्रेशर एक्सपीरियंस, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, हर जगह, तो ऐसा कुछ एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्यों एक्सपीरियंस करता है, तो किसी भी एक छोटे से एलिमेंट, मान लो अगर मैं यहां वाले छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं, तो इस छोटे से एलिमेंट पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है ड्यू टू, यहां पे अगर मैंने छोटा एलिमेंट लिया तो मैं डीएफ लिख देता हूं, थोड़ा क्लियर कर देता हूं इसको, लेट से ये छोटा सा एलिमेंट अगर हमने लिया है, तो इस छोटे से एलिमेंट पे डीएफ इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्यों लगेगा, तो ये छोटा सा एलिमेंट जो है इस पे चार्ज है, और इस एलिमेंट को अगर हटा दे शेल से
तो बाकी जो एक बॉडी बनेगा उस बॉडी के कारण इसके लोकेशन पे फील्ड होगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे से एलिमेंट पे एक फोर्स लगाएगा और वो फोर्स जो होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक प्रेशर बोलते हैं। तो वो ये हो जाएगा डी एफ ई अपॉन डी ए। अगर हमने ये जो छोटा एलिमेंट लिया, अगर इसका एरिया डी ए लिया है, तो ये फिर आ जाता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये आता है। तो इसका फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो इसमें क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि लेट से अगर मैंने इस स्फेरिकल सरफेस को दो हाफ में डिवाइड कर दिया, अगर मैंने इसको दो हाफ में डिवाइड कर दिया, लेट मी ऐसा मैंने एक वर्टिकल लाइन ले लिया, तो दो हाफ में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो फोर्स एग्जर्टेड, अगर ये पूछा गया फोर्स एग्जर्टेड ऑन राइट हाफ, फोर्स एक्सपीरियंस एग्जर्टेड के हम एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर वर्ड होगा, चेंज कर लेते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द राइट हाफ। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा राइट हाफ, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय राइट हाफ। तो ये राइट हाफ के हर जगह पे कर्व सरफेस है और कर्व सरफेस पे हर जगह प्रेशर की वैल्यू सेम है, तो ऐसे केसेस में जहां पे भी कर्व सरफेस और हर जगह प्रेशर की वैल्यू सेम होती है, तो फोर्स निकालने के लिए हम प्रेशर और इनटू प्रोजेक्टेड एरिया कर देते हैं, प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। तो यहां पे प्रेशर है सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट और एरिया हो जाएगा इसका टू पाई आर, सॉरी प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया इसका, प्रोजेक्टेड एरिया कैसा दिखेगा, तो ये सर्कल जैसा दिखेगा कि अगर राइट हाफ को देखोगे लेफ्ट से, लेफ्ट से अगर राइट हाफ को देखोगे तो तुम्हें एक पाई आर स्क्वायर एरिया दिखाई देगा। तो ये हो जाएगा, तो इस चीज को भी ध्यान रखना। इस पे भी अभी तक आया नहीं है मेंस में, वैसे क्वेश्चन एडवांस में आया है, बट मेंस में भी यू विल नेवर नो कि कभी पूछ सकते हैं। तो एक सिंपल सी चीज है, फॉर्मूला याद रखना है, इससे आंसर निकल आएगा। ओके ठीक है, तो अब हमारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कंडक्टर्स वाला पार्ट रहता था ये हमने कंप्लीट कर लिया डिस्कशन, अब हम कैपेसिटर्स वाले पार्ट में आ जाते हैं। तो कैपेसिटर्स में होता क्या है, तो कंडक्टर से ही रिलेटेड था इसलिए मैंने इसको थोड़ा इंक्लूड कर लिया है इसी सेशन में। कैपेसिटर वो डिवाइसेस होते हैं जो कि एनर्जी स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, बेसिक डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर ये होता है, मैंने यहां पे लिख भी रखा है, कैपेसिटर आर डिवाइसेस विच स्टोर एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जनरली कैपेसिटर में क्या होता है कि दो कंडक्टर्स होते हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो दो कंडक्टर होता है, एक पे प्लस क्यू चार्ज होता है दूसरे माइनस क्यू चार्ज होता है, जनरली ये होता है, तो दूसरा ऐसा लिख लिया। और फिर हर ऐसे सिस्टम के लिए, हर कैपेसिटर है यानी कि हर एक दो कंडक्टर्स का सिस्टम है, एक पे प्लस क्यू चार्ज दूसरे माइनस क्यू चार्ज, तो उस सिस्टम का एक कैपेसिटेंस होता है। कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे निकलती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उन दोनों कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। वो कैसे आएगा, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करके पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया फॉर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज, तो कैपेसिटेंस निकालने का तरीका होता है क्यू बाई वी, वो थर्ड पॉइंट में यहां पर लिखा हुआ है। एनर्जी हमने बोला कि कैपेसिटर्स बेसिकली एनर्जी स्टोर करने वाले डिवाइसेस होते हैं, तो कितनी एनर्जी स्टोर करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एनर्जी स्टोर के लिए फॉर्मूला मैंने लिख रखा है। तो या तो हाफ सी वी स्क्वायर यूज कर ले, जहां पे वी हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू कंडक्टर्स अक्रॉस द कैपेसिटर, या फिर क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी लिख ले, या फिर क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू इन टू वी लिख ले। तो इसमें हम क्यू इक्वल टू सी वी यूज कर रहे हैं, तो ये तीनों ही फॉर्मूले आपस में रिलेटेड है, अगर मैं क्यू इक्वल टू सी वी यूज कर लूंगा तो कोई भी यूज कर सकते हैं, तो क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी यूज कर ले या फिर हाफ सी वी स्क्वायर यूज कर, यहां पर वी हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट कैपेसिटर, यानी कि उस कैपेसिटर के जो दोनों कंडक्टर्स हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। जनरली ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पूछे जाते हैं, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये होता है कि दो प्लेट्स होते हैं, दो कंडक्टिंग प्लेट्स होते हैं, ऐसे रखे होते हैं, तो दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होगा, तो लेट्स से हमने चार्जेस एक पे प्लस क्यू है चार्ज, दूसरे पे माइनस क्यू है चार्ज, तो इसका कैपेसिटेंस निकालने का तरीका क्या होगा कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में अभी हमने देखा ना सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट्स, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं चार्ज के टर्म्स में देखूंगा तो क्या आया था कि अगर क्यू है और दूसरे पे माइनस क्यू है, क्यू और माइनस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो मैं अगर सर्फेसिस पे चार्जेस देखूं तो सबसे आउटर मोस्ट सर्फेस पे जीरो होगा, यहां पे क्यू होगा और यहां पे माइनस क्यू होगा, तो अंदर वाले फेसिंग सर्फेसिस पे जो चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा है हमारे पास क्यू है, क्यू अपॉन ए, तो क्यू अपॉन ए हो जाएगा जहां पे ए इसका एरिया हो गया और लेट्स से प्लेट्स के बीच का सेपरेशन डी हो गया, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर लिया और इनटू डी कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी अभी अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं तो ये डी नहीं आएगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं तो ऐसा हो गया। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस अब लिखूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कि वी प्लस माइनस वी माइनस, जो पॉजिटिव प्लेट है माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल,
तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन ए एप्साइलन नॉट और इंटू डी। तो यहाँ से अगर क्यू देखोगे तो क्यू आ जाएगा एप्साइलन नॉट ए बाई डी और इंटू वी। तो फिर ये जो एप्साइलन नॉट ए बाई डी होता है इसी को हम बोलते हैं कि दिस इज द कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस होता है। तो सिस्टम ऑफ ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसका कैपेसिटेंस एप्साइलन नॉट ए बाई डी होता है, इसको हमें याद रखना है, कैपेसिटेंस इज एप्साइलन नॉट ए बाई डी, ये कैपेसिटेंस है, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटेंस अगर पता है तो फिर कैपेसिटर्स को चार्ज करने का तरीका क्या होता है, कि चार्ज करने का तरीका ये होता है कि हमने अगर एक कैपेसिटर लिया है और इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दिया है, तो बैटरी का अगर जो भी वोल्टेज है, बैटरी का अगर वोल्टेज V है, लेट्स से V है वोल्टेज बैटरी का और इसका कैपेसिटेंस C है, तो फिर ये कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो ये चार्ज हो जाएगा। तो इस पे क्या होगा कि जो हायर पोटेंशियल एंड पे है, तो हायर पोटेंशियल लेफ्ट वाला है, बिकॉज बैटरी की पोलैरिटी अगर देखोगे तो यहां जीरो है यहां वी है, तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी ऊपर में लेफ्ट में वी हो जाएगा, राइट में जीरो हो जाएगा। तो हायर पोटेंशियल पे है लेफ्ट वाला प्लेट, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, तो ये Q इज इक्वल टू सी वी आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट वाला प्लेट पे प्लस सी वी, राइट वाले प्लेट पे माइनस सी वी। एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो ये हाफ सी वी स्क्वायर हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक होता है एनर्जी सप्लाइड बाई सेल, एनर्जी सप्लाइड बाई सेल। तो यहां पे जब हमने इस सिस्टम को बनाया होगा तो इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर रहा होगा और फिर इस बैटरी से चार्ज फ्लो किया होगा, कितना चार्ज फ्लो किया होगा, तो ये क्यू चार्ज फ्लो किया होगा जो क्यू सी वी है, यानी कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ये चार्ज निकला होगा, बेसिकली करंट फ्लो करता है और वो करंट फ्लो के हम फाइनली स्टेडी स्टेट जब आया है उससे उस तक की बात कर रहे हैं। तो इनिशियली जब हमने इस अनचार्ज कैपेसिटर को इस बैटरी से कनेक्ट किया होगा तो करंट फ्लो किया होगा और करंट फ्लो करके स्टेडी स्टेट आने तक जो टोटल चार्ज फ्लो किया होगा वही फिर इस कैपेसिटर के प्लेट्स पे आया होगा, तो वो चार्ज सी वी आ गया, तो वो चार्ज बैटरी से निकला है, तो फिर बैटरी जो एनर्जी सप्लाई करेगा, कि बैटरी यू ऑफ सेल हो जाएगा, एनर्जी सप्लाइड बाय सेल, या फिर इसको वर्क डन बाय सेल भी बोलते हैं, वर्क डन बाय सेल, या फिर वर्क डन बाय सेल भी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू और इंटू वी, तो ये आ जाएगा सी वी, क्यू है सी वी और इंटू वी, तो ये सी वी स्क्वायर बन जाएगा, सी वी स्क्वायर। तो बैटरी ने वर्क किया सी वी स्क्वायर, लेकिन कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ी हाफ सी वी स्क्वायर, तो बची हुई एनर्जी कहां जाती है, तो बची हुई एनर्जी आती है हीट लॉस में, हीट लॉस। तो हीट लॉस ऐसे केसेस में कभी कभी पूछा जाता है, तो ये हीट लॉस ये हो जाएगा सी वी स्क्वायर, जो वर्क डन बाय बैटरी है और माइनस जो कैपेसिटर की एनर्जी ये आ गई। तो कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज था, तो इनिशियली कोई एनर्जी नहीं थी और फाइनली चार्ज हो गया, तो कैपेसिटर की एनर्जी बढ़ी हाफ सी वी स्क्वायर, बैटरी की बैटरी ने वर्क किया सी वी स्क्वायर, तो बची हुई जो एनर्जी है वो हीट लॉस हो गया, तो ये हाफ सी वी स्क्वायर हीट लॉस हो जाएगा। और ये कहां होता है, तो ये कनेक्टिंग वायर्स में होता है। अब कोई ये बोल सकता है कि यहां पे तो रेजिस्टर दिख नहीं रहा है, लेकिन कनेक्टिंग वायर्स में रेजिस्टेंस तो होता ही है, बहुत भी कम रेजिस्टेंस हो सकता है, बट बहुत कम रेजिस्टेंस होने के बावजूद हीट लॉस उतना ही होता है। ये जब करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखते हैं और फिर इंटीग्रेट करके निकालते हैं, तो वो दिखता है कि वो आर से इंडिपेंडेंट नहीं डालता हीट लॉस, तो ये होता है इन द कनेक्टिंग वायर्स, इन द कनेक्टिंग वायर्स। तो कनेक्टिंग वायर्स का यहां पे रेजिस्टेंस हमने दिखा नहीं रखा है, तो कोई सोचता है बच्चे कि हीट लॉस कैसे होगा जब रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो कनेक्टिंग वायर्स का मतलब ये होता है कि नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, बहुत कम रेजिस्टेंस है, बट यहां पे जब करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखते हो ना कैपेसिटर में और आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन करोगे हीट लॉस निकालने के लिए, वो देखोगे कि वो आर से इंडिपेंडेंट आ जाता है, यानी कि कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस कितना भी कम हो हीट लॉस टोटल उतना ही होगा, आई स्क्वायर आर डी टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, स्टेडी स्टेट आने में इन्फिनिट टाइम लगता है, तो वो यही आ जाता है। तो हीट लॉस ऐसे केसेस में भी करना है, करना बताना है कि हीट लॉस हुआ है। ओके, कुछ और कैपेसिटर्स होते हैं, जनरली तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही पूछा जाता है, बट कुछ और कैपेसिटर्स यहां पे दिखा रखे हैं। तो एक होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होता है कि दो कंडक्टिंग शेल्स होते हैं, दो कंडक्टिंग शेल्स है, तो ये अंदर में एक शेल होगा और एक बाहर में शेल होगा, और इन दोनों में फिर हमने एक पे क्यू दिया होगा, दूसरे पे माइनस क्यू दिया होगा, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है तीनों के लिए, एक है स्फेरिकल कैपेसिटर, ये है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, में बेसिकली दो कंडक्टिंग सिलेंडर्स हो जाते हैं, कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर्स, तो उसका फॉर्मूला कैपेसिटेंस का ये है, यहां पे लॉग जो होता है वो बेस ई टू द लॉग टू द बेस ई होता है। और एक होता है कि आइसोलेटेड स्फेयर भी एक कैपेसिटर की तरह काम करता है, तो आइसोलेटेड स्फेयर को अगर कैपेसिटर सोचते हैं
तो इसका दूसरा जो प्लेट है, एक तो पॉजिटिव अगर हमने चार्ज को दिया तो ये तो पॉजिटिव प्लेट बन गया, अदर प्लेट इसका हम मानते हैं एट इन्फिनिटी, अदर प्लेट इज अज्यूम्ड एट इन्फिनिटी, ये होता है. और इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये होता है. तो कभी कभी हो सकता है इन पे भी क्वेश्चंस पूछ दी जाए, तो ये भी फॉर्मूला ध्यान रखना है, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर और एक आइसोलेटेड स्फेयर एज अ कैपेसिटर. अच्छा, आइसोलेटेड स्फेयर एज कैपेसिटर जो है ना, वो अच्छा कैपेसिटर नहीं है, क्योंकि बाकी तीनों कैपेसिटर में अगर देखोगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी देखा कि सिर्फ दोनों के बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, क्योंकि टोटल चार्ज सिस्टम पे जीरो था ना. जैसे अभी मैं अगर दिखाऊं यहां पे, जो हमने ऊपर में कैपेसिटर बनाया है, एक मिनट थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करता हूं, तो यहां पे अगर देखोगे तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि टोटल चार्ज सिस्टम पे जीरो है ना, तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इन दोनों प्लेट्स के बीच में होगा. वैसे ही जो अभी हमने स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर दिखा रखे हैं, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ दोनों के बीच में होगा, बिकॉज प्लस क्यू माइनस क्यू है, तो सिर्फ अंदर वाले पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा. सिलिंड्रिकल में भी दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि कैपेसिटर्स को क्या करते हैं, बेसिकली हम डिवाइसेज में यूज करते हैं. तो अगर कैपेसिटर पे चार्ज आने के बाद अगर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उस डिवाइस से बाहर भी चला गया, तब तो जिस भी सर्किट में हम उसको यूज कर रहे हैं, उस सर्किट के बाकी कंपोनेंट्स को उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब करेगा. तो अच्छा कैपेसिटर वही होगा जिसमें कि एक कन्फाइंड रीजन में उसी डिवाइस के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड रहे, बाहर में ना जाए. जबकि आइसोलेटेड स्फेयर को अगर हम कैपेसिटर की तरह यूज कर रहे हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके सर्फेस से लेकर इन्फिनिटी तक प्रेजेंट रहेगा. तो अगर इसको मैं सर्किट में यूज करूंगा, तब तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी कंपोनेंट्स को डिस्टर्ब करेगा. तो दिस इज नॉट ए गुड कैपेसिटर आइसोलेटेड स्फेयर, बट नन द लेस कैपेसिटर तो बोल ही सकते हैं इसको. अच्छा कैपेसिटर नहीं है, जनरली यूज नहीं करते, यूज करते हैं या तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, या तो स्फेरिकल कैपेसिटर, या तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर. कैपेसिटर को कंडेंसर भी बोलते हैं. तो घर में होता है ना कि फैन में एक कंडेंसर लगा होता है, तो बेसिकली एक कैपेसिटर है. चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. तो ये तो स्फेरिकल कंडक्टर का, तो ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखो कैपेसिटेंस का क्या था, ये था 4πε0R. तो इसमें सब कुछ डाल दोगे, फॉर्मूले से आ जाएगा क्वेश्चन. 1/4πε0 की वैल्यू पता होती है, तो ये आ जाएगा. ठीक है, बस इसमें हमने ये फॉर्मूला यूज कर लेना, जो फॉर्मूला यहां लिख रखा था 4πε0R, वो तुम्हें यूज कर लेना, याद रखना ये फॉर्मूला. एक ये देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. तो ये आया है इस 2020 मेंस में ही आया है. तो इसमें बोल रखा है कि ऐसा प्लेट है, एक प्लेट फ्लैट, लेट्स हॉरिजॉन्टल है, दूसरे प्लेट को थोड़ा सा बहुत एक छोटे से एंगल से टिल्ट कर दिया है. तो बहुत छोटा अगर एंगल है, तो अभी भी मैं अगर कोई भी छोटा सा एलिमेंट लूंगा, तो इसमें हम क्या करते हैं कि एलिमेंट्स लेके सॉल्व करते हैं. कि अगर मैंने यहां से कुछ एक्स डिस्टेंस आगे जाके और फिर एक ऐसा वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया और ये गैप रख लिया dx, अगर ये गैप dx है, इफ दिस गैप इज dx, तो फिर यहां पे एक नीचे ये मिलेगा जिसको अभी मैं पिंक से शेड कर रहा हूं, ऊपर में ये मिलेगा. अब ये एंगल बहुत छोटा है, तो ये भी ऑलमोस्ट पैरेलल रहेंगे, तो इन दोनों को मैं पैरेलल प्लेट के पास मान सकता हूं. बट यहां पे एलिमेंट्स इसलिए लेना पड़ रहा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है. तो अभी ये सेपरेशन कितना होगा, अभी सेपरेशन अगर मैं इसका कैपेसिटेंस लिख रहा हूं, जो एलिमेंटल कैपेसिटर है उसका अगर कैपेसिटेंस लिख रहा हूं, एलिमेंटल है तो हमने डीसी यूज कर लिया, तो होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी. तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एरिया कितना है, तो एरिया अगर देखोगे तो अगर डीएक्स इसका थिकनेस है और ये बोल रखा है कि स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है साइड ए का, यानी कि अंदर के डायमेंशन में इसका जो अभी दिख रहा है व्यू, इस व्यू के इस प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ड इसका ए तक एक्सटेंशन है लेंथ वाइज. तो फिर इस छोटे से स्ट्रिप डीएक्स वाले स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा ए डीएक्स. तो एप्सिलॉन नॉट एरिया ये आ गया अपॉन डी. अब डी क्या होगा, तो सेपरेशन जो है वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सेपरेशन बढ़ रहा है. तो यहां पे अगर तुम ये सेपरेशन देखोगे, ये सेपरेशन, ये जो छोटा सा, मैं थोड़ा सा ये क्लटर्ड हो रहा है, मैं इसको, ये सेपरेशन, ये जो एक्स्ट्रा सेपरेशन डी के बाद ऐड हो गया ना, ये सेपरेशन कितना होगा, तो इसको मैं सोच सकता हूं एक छोटा सा एंगल है तो आर्क की तरह सोच सकता हूं, तो ये हो जाएगा एक्स इंटू अल्फा, ये सेपरेशन एक्स इंटू अल्फा हो जाएगा. तो फिर अभी जो हमने डीसी लिया है, जो एलिमेंटल के पास लिया, उसमें दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन वो डी प्लस एक्स अल्फा हो जाएगा, डी प्लस एक्स अल्फा. डी है सबसे लेफ्ट पॉइंट पे सेपरेशन, तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे सेपरेशन बढ़ रहा है. एक्स डिस्टेंस आगे जो सेपरेशन बढ़ गया, वो ऊपर वाला डिस्टेंस हमें दिख रहा है, क्योंकि एक तरह से एंगल बहुत छोटा है, तो आर्क लेंथ की तरह मान सकता हूं, तो एक्स इंटू अल्फा ये बन जाएगा. और फिर ऊपर एंड नीचे वाले प्लेट्स के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, तो ये सारे कैपेसिटर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा एलिमेंटल कैपेसिटर्स के बीच में, तो ये सारे कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन है.
parallel combination of the elemental capacitors, parallel combination of DC है. ऐसे बहुत सारे DC है, सबका parallel combination है. तो capacitors में parallel combination का formula क्या होता है? Capacitors में parallel combination का formula होता है कि सारे capacitances add हो जाते हैं. तो यहाँ पे जो net C हो जाएगा, that will be integral of DC. तो आ जाएगा integral of epsilon naught A dx upon d plus x alpha. अच्छा, ये dx अलग है, कैंसिल नहीं कर देना, ये dx अलग है. dx हो वो एलिमेंटल इंक्रीज इन x है. लिमिट्स क्या डालोगे? तो लिमिट्स डालोगे फ्रॉम 0 टू a, सारे एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे. तो ये आ रहा है epsilon नॉट a बाहर आ जाएगा, और ये dx तो ये ln बन जाएगा. ln ऑफ क्या आएगा? ये लिमिट्स भी डाल देता हूँ साथ साथ. तो आ जाएगा d प्लस ए अल्फा आ जाएगा, अपर लिमिट ए डालेंगे तो, और लोअर लिमिट डालेंगे जीरो, तो ये आ जाएगा डी, और अपॉन अल्फा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अल्फा ये बन जाएगा. तो ये कैपेसिटेंस आ रहा है, सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन अल्फा एलएन ऑफ वन प्लस ए अल्फा अपॉन डी, ये आ रहा है. अच्छा, इसमें आंसर देखोगे तो वो एलएन के टर्म्स में आंसर नहीं है, एलएन के टर्म्स में नहीं है आंसर. तो इसमें फिर ln ऑफ 1 प्लस x का एक्सपेंशन लगा देंगे, बिकॉज अल्फा बहुत छोटा है, तो a अल्फा अपॉन d बहुत स्मॉल है. तो ln ऑफ 1 प्लस x का एक्सपेंशन क्या होता है? x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, सिर्फ फर्स्ट दो टर्म्स लिख लेते हैं. तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन अल्फा, और ये आ जाएगा x हमारे पास a अल्फा अपॉन d, ये है x. तो ln ऑफ 1 प्लस x का एक्सपेंशन x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, हायर ऑर्डर टर्म्स नेग्लेक्ट कर रहे हैं. तो माइनस a अल्फा अपॉन d का स्क्वायर और अपॉन टू, ये आ जाएगा. तो इसमें अब ए अल्फा अपॉन डी बाहर निकाल लेते हैं, हम उस फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं जिस फॉर्म में आंसर गिवन है. तो अल्फा यहां से ए अल्फा अपॉन डी बाहर आ गया, तो ये बन जाएगा वन माइनस ए अल्फा अपॉन टू डी. तो ये अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन डी और वन माइनस ए अल्फा अपॉन टू डी. तो अब ये देखोगे तो ये मैच कर रहा होगा, ये ऑप्शन ए में दिख रहा है. तो ln में आ रहा था, तो ln में अगर आंसर होता तो उसको भी ठीक बोलते. अभी हमारे पास जो आंसर जिस फॉर्म में था, तो हमने ln ऑफ 1 प्लस x का एक्सपेंशन कर दिया. ठीक है, चलो एक देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, तो कैपेसिटर्स में दो तरह के कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. सिंपल है, सीरीज कॉम्बिनेशन कब बोलते हैं? जब वन एन ऑन एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, और सीरीज कॉम्बिनेशन में फिर चार्ज सेम होता है. चार्ज इज सेम, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, कि जो भी कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं चार्ज सेम होता है. और सी इक्विवेलेंट फिर कितना होता है? तो सी इक्विवेलेंट में कैपेसिटर में रेजिस्टर वाला जो है उसका इनवर्स रिलेशन चलता है. तो यहां पे सीरीज में वो चलता है 1 बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई सी 1 प्लस 1 बाई सी 2. वोल्टेज निकालने के लिए अगर चार्ज दोनों पे सेम है तो फिर वोल्टेज क्या आएगा? क्यू इज इक्वल टू सी वी, अगर देखोगे क्यू इक्वल टू सी वी और चार्ज सेम है तो फिर वोल्टेज आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई सी. यानी कि यहां पे दोनों कैपेसिटर्स पे जो वोल्टेजेस होगा, कि जो भी वोल्टेज हम टोटल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस अप्लाई करेंगे, वो दोनों में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? तो इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. इस कारण से अगर देखोगे तो V1 में ऊपर में C2 आ रहा है और V2 में ऊपर में C1 आ रहा है. अगर तुम V1 अपॉन V2 करोगे तो वो C2 अपॉन C1 आ जाएगा. पैरेलल कॉम्बिनेशन कब बोलते हैं? जब सेम दो पॉइंट्स के बीच में दोनों कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं, और वो सेम दो पॉइंट्स में कनेक्टेड होने के कारण वोल्टेज सेम हो जाएगा दोनों के अक्रॉस. वोल्टेज सेम हो जाएगा, वोल्टेज इज सेम. इस केस में सी इक्विवेलेंट सी वन प्लस सी टू आ जाता है. अच्छा, सी इक्विवेलेंट का रोल क्या है? कि अगर मैं इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी लगाऊंगा तो फिर जो चार्ज जाएगा वो फिर सी इक्विवेलेंट इनटू वी कर सकते हैं. कि अगर हमने वी वोल्ट का बैटरी लगा दिया है तो बैटरी से ये कॉम्बिनेशन कितना चार्ज ड्रॉ करेगा, तो उसके लिए क्यू इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इनटू वी कर सकते हैं. अब वो चार्ज इंडिविजुअली कैपेसिटर्स पे कितना कितना जाएगा, तो यहां पे देखोगे अगर वोल्टेज सेम है तो क्यू इक्वल टू सी वी, अगर देखा तो चार्ज जो हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल टू सी हो जाएगा. तो इसी कारण से यहां पे इंडिविजुअल चार्जेस अगर देखोगे तो Q1 में ऊपर में C1 आ रहा है, Q2 में ऊपर में C2 आ रहा है. सो दैट अगर तुम Q1 अपॉन Q2 करोगे तो वो C1 अपॉन C2 हो जाएगा. तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेगा कि दोनों कैपेसिटर्स पे इंडिविजुअल कितना कितना चार्ज गया. सेल से कितना चार्ज है वो तो पता चल जाएगा, इंडिविजुअल कितना कितना गया तो उसके लिए हम ये निकाल लेंगे. ठीक है, चलो एक ये देखते हैं, सीरीज पैरेलल का एक सिंपल सा क्वेश्चन. बोल रखा है इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स, वो 10 माइक्रोफेराड दे रखा है, C1 C2. अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो C1 प्लस C2 हो जाएगा, तो अगर 10 माइक्रोफेराड है तो अगर मैंने C1 को लेट से C मान लिया तो दिस विल इंप्लाई कि C2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस C. माइक्रोफेराड्स में सोच लेते हैं, C1 प्लस C2 10 होना है.
अब बोल रखा है कि अगर इन दोनों कैपेसिटर्स को हमने इंडिविजुअली कनेक्ट किया टू अ वोल्टेज सोर्स 1V, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर C2 इज 4 टाइम्स दैट ऑफ C1, तो C2 पे एनर्जी कितनी स्टोर्ड हो जाएगी, तो हाफ C2 इंटू वी स्क्वायर, और ये बोल रखा है कि 4 टाइम्स हाफ C1 इंटू वी स्क्वायर है, कि दोनों कैपेसिटर्स को सेम ही वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्ट किया है, तो अगर उस वोल्टेज को मैं वी मान ले रहा हूं तो ये हो जाएगा, तो इसमें अगर करेंगे C1 C2 डालें तो हाफ C2 हाफ तो कैंसिल ही हो जाएगा, चलो अभी मैं लिख रहा हूं या कैंसिल ही कर देता हूं ना, हाफ हटा देता हूं, मैं ये कर रहा हूं कि हाफ कैंसिल हो गया, वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, हाफ और वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो C2 हमारे पास 10 माइनस सी इज इक्वल टू 4C1, ये C है, तो यहां C की वैल्यू आ जाएगी 2 माइक्रो फैराड्स, ये C आ गया। तो बोल रखा है कि अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, तो यहां से मिल गया कि C1 जो हो गया वो 2 माइक्रो फैराड हो गया, और C2 जो हो गया वो हो गया 10 माइनस 2, यानी कि 8 माइक्रो फैराड। तो अब सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो दो सीरीज में है, तो 1/C = 1/C1+C2 कर लूं, या फिर उससे ज्यादा आसान है कि दो के लिए तो सी इक्विवेलेंट के लिए क्या कर लेंगे, C1 C2 upon C1+C2, तो 2 × 8 upon 2+8, तो ये आ जाएगा 16/10, यानी कि 1.6 माइक्रो फैराड, तो ये ऑप्शन 3 फिर सही हो जाएगा। ठीक है, एक ये डिस्कशन करते हैं, कैपेसिटर्स विथ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक अगर हमने डाल दिया कैपेसिटर में, कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, तो इसमें होता है कि अगर हमने मान लो ये कैपेसिटर के प्लेट्स हैं और इसके बीच में अगर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस के टाइम्स, यानी कि अब इसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा, कैपेसिटेंस नाउ अगर इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो ये आ जाएगा के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये कैपेसिटेंस हो जाता है डायलेक्ट्रिक स्लैब अगर है तो। तो ये कैसे निकालते हैं, तो ये निकालने का तरीका ये होता है कि अगर एक पे क्यू है और दूसरे पे माइनस क्यू है, तो डायलेक्ट्रिक होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 1/K टाइम्स हो जाता है, तो फिर अगर इसमें अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ई बोल रहा हूं, तो ये ई कितना बनेगा, तो ई बन जाएगा, अगर ये डायलेक्ट्रिक नहीं होता तब अगर क्यू और माइनस क्यू चार्ज था तो उसके कारण फील्ड हो जाता Q/A εr0, ये फील्ड हो जाता है, अगर डायलेक्ट्रिक है तो फील्ड अपॉन के टाइम्स हो जाता है, यही डायलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी होती है, तो ये फील्ड आ गया। और फिर अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन के टाइम्स ए एप्साइलन नॉट और इंटू डी, तो इसको अगर मैं क्यू बाई सी के फॉर्म में लिखूंगा तो सी आ जाएगा के टाइम्स एप्साइलन नॉट ए बाई डी, ये होता है। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इस डायलेक्ट्रिक के सरफेस पे चार्ज इंड्यूस होते हैं, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है वो कैसे कम होता है, कि क्यू और माइनस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1/K टाइम जो हुआ है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कम होता है, तो उसमें कम होने का रीजन ये होता है कि इस डायलेक्ट्रिक के सर्फेस पे चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं, जैसे इस सर्फेस पे अगर यहां पे लेफ्ट में प्लस क्यू है तो इस पे माइनस ऑफ क्यू इंड्यूस हो जाएगा और इस पे कुछ प्लस ऑफ क्यू इंड्यूस हो जाएगा, और ये क्यू इंड्यूस कितना होता है, तो ये क्यू इंड्यूस होता है क्यू इंटू 1 - 1/K, तो इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखना है, इंड्यूस चार्जेस ऑन द सर्फेस ऑफ डायलेक्ट्रिक, तो डायलेक्ट्रिक में जो पॉजिटिव प्लेट के पास वाला सरफेस है उस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव के पास वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, कितना इंड्यूस होगा, तो क्यू इंटू 1 - 1/K, जहां पे ये क्यू जो है दैट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो चार्ज आएगा। जैसे इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एक करते हैं, पढ़ो इस क्वेश्चन को, बोल रखा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस 9 pF है और बैटरी क्या क्रॉस कनेक्ट कर दिया, 20 वोल्ट का बैटरी है, और फिर हम एक डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट कर रहे हैं प्लेट्स में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस चार्ज बताना है। ठीक है, तो पहले जो 90 pF दे रखा है वो डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले दे रखा है, तो अब नया सी डैश क्या हो जाएगा, सी डैश तो हो जाएगा के टाइम्स सी, तो के हमने 5/3 है और सी जो है दैट इज 90 pF। अच्छा, ये पीको फिर से ध्यान रखना है, मैंने लास्ट सेशन में बोला था कि ये सारे ध्यान रखने, तो पीको का मतलब होता है 10 to the power - 12, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है, दिस इज अगर इसको देखेंगे तो ये 30 टाइम्स हो जाए, तो 150, तो 150 इंटू 10 to the power - 12 फैराड, ये कैपेसिटेंस हो गया। अब अगर बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट करूंगा तो जो चार्ज आएगा वो चार्ज आ जाएगा
सी डैश अब कैपेसिटेंस वी है, सी डैश है तो सी डैश इंटू 20 वोल्ट, सी डैश इंटू वी, तो सी डैश हमारे पास 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 और इंटू वी है 20, तो ये माइक्रो कूलम्स इतना चार्ज आ जाएगा। और ये चार्ज आ रहा है कैपेसिटर पर, कितना चार्ज होगा कैपेसिटर पर, कितना चार्ज होगा वो आ रहा है। अच्छा इसमें आंसर नैनो कूलम है, तो नैनो कूलम में सोच सकते हैं ना कि ये बेसिकली 15 इंटू 2 करोगे तो 30 आ जाएगा और 30 फिर और हो जाएगा, तो ये 3 नैनो कूलम्स हो जाएगा, 3 नैनो कूलम्स, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 हो जाएगा ये। अब चार्ज इंड्यूस बताना है, तो इंड्यूस चार्ज के लिए फिर आएगा क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 1 बाई के इज 3 बाई 5, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 बाई 5, तो 6 बाई 5, तो हो जाएगा 1.2 नैनो कूलम्स, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, एक ये देखते हैं, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है वोल्टेज रेटिंग ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है 500 वोल्ट, तो वोल्टेज रेटिंग का मतलब ये होता है इट्स डाइलेक्ट्रिक कैन विदस्टैंड अ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर, और वोल्टेज रेटिंग 500 वोल्ट है, तो वोल्टेज रेटिंग मतलब है ये इस कैपेसिटर के अक्रॉस हम इतना वोल्टेज मैक्सिमम लगा सकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर जो दे रखा है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज्यादा हो जाएगा, तो इससे ज्यादा होने से डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन का मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक वैसे इंसुलेटर्स होते हैं, तो ब्रेकडाउन होने का मतलब यह है कि उसमें फिर कुछ फ्री चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं और वो इंसुलेटर से कंडक्टर बन जाता है, तो हमें वो नहीं होने देना है, बिकॉज कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में हम चाहते हैं कि इंसुलेटिंग मटेरियल रहे, नहीं तो प्लस क्यों माइनस क्यों न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके तुम सेपरेशन निकाल सकते हो कि वोल्टेज अगर दे रखा है तो वोल्टेज 500 अगर है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 टू द पावर 6 इंटू डी, तो यहां से डी की वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी ये 500 अपॉन 10 टू द पावर 6, ये डी आ जाएगा, और डी आ गया तो फिर आप कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस दे रखा है 15 पीको फेराड, अच्छा कैपेसिटेंस दे रखा है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, तो ये हो जाएगा 15, अच्छा पीको है तो फिर इसमें वो लगाओगे इंटू, चलो इसको थोड़ा मैं, पीको अगर है तो ये बन जाएगा हमारे पास 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ये ध्यान रखना है, इज इक्वल्स टू के टाइम्स एप्साइलन नॉट ए अपॉन डी, तो सब कुछ दे रखा है, एप्साइलन नॉट की वैल्यू भी दे ही रखी है, वैसे तुम्हें याद भी होना चाहिए, ए भी दे रखा है, डी हम निकाल लेंगे ऊपर वाले इन्फॉर्मेशन से, यहां से डी निकाल लेंगे, तो यहां से के की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें वो था कि अगर वोल्टेज रेटिंग का मतलब कि हर कैपेसिटर की एक वोल्टेज रेटिंग होगी, उससे ज्यादा वोल्टेज उस कैपेसिटर के अक्रॉस नहीं लगाओगे, क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीड कर जाएगा और वो डायलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही लिमिट तक कोई भी डायलेक्ट्रिक सस्टेन कर सकता है। अब डायलेक्ट्रिक का अगर ऐसा केस किया जिसमें कि लेट्स से एक से ज्यादा डायलेक्ट्रिक स्लैब्स हैं, तो पहले ये केस कर रहे थे कि ऐसा है, तो इसमें प्लेट्स हमारे पास ऊपर एंड नीचे है, तो इसमें बेसिकली तीन अलग अलग हम कैपेसिटर्स मान सकते हैं पैरेलल में, तो एक K1 वाला, इसमें एरिया देखोगे तो इक्वली अगर बोल रखा है थ्री डायलेक्ट्रिक्स ऑफ इक्वल थिकनेस, तो एरिया वन थर्ड हो जाएगा, तो ये फिर तीन कैपेसिटर्स हो जाएंगे पैरेलल में, एक में डायलेक्ट्रिक K1 वाला, एक में K2 वाला, एक में K3 वाला, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसा सी इक्विवेलेंट निकलता है, एडिशन हो जाता है, तो यहां पे सी इक्विवेलेंट अगर देखेंगे सी इक्विवेलेंट तो वो हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 कितना है तो वो K1 दे रखा है 10 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, एरिया है A/3 और अपॉन डी, तो अपॉन डी कर दिया, सेपरेशन दोनों के बीच में अगर डी है, प्लस K2 है 12, तो 12 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट एरिया फिर से A/3, टोटल एरिया अगर ये है इक्वल थिकनेस है तो इक्वल हो जाएगा, तो A/3 हो जाएगा एक डायलेक्ट्रिक करस्पॉन्डिंग जो एरिया है वो वाला अपॉन डी, और प्लस 14 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A/3 अपॉन डी, ये आ जाएगा। अच्छा फिर पूछ रखा है द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मटेरियल व्हिच व्हेन फुली इंसर्टेड इन द अबव कैपेसिटर गिव्स सेम कैपेसिटेंस, यानी अगर अभी हमने तीन डायलेक्ट्रिक स्लैब्स अलग अलग के निकाल डाले हैं, अगर इसके बजाय एक ही डायलेक्ट्रिक स्लैब डालते तो उसका के कितना होना चाहिए, तो उसको पूछ दिया जाता है कभी कभी कि के इक्विवेलेंट ऑफ द डायलेक्ट्रिक स्लैब्स बताओ, तो उसका मतलब होगा कि एक सिंगल कैपेसिटर डालोगे तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, के इक्विवेलेंट इंटू एप्सिलॉन नॉट पूरा एरिया आएगा अपॉन डी आएगा, तो ये दोनों को इक्वेट कर देना है, तो यहां से एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो आ जाएगा के इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 10 प्लस 12 प्लस 14 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 36 अपॉन 3, 12 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं अगर डायलेक्ट्रिक स्लैब्स ऐसे रखे हुए हैं तो। ओके एक ये देखते हैं,
ये वाला केस। तो इसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरिएबल है, वेरिएबल डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो वेरिएबल डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ने बोल रखा है कि अगर हम यहां से एक्स डिस्टेंस दूर जा रहे हैं तो फिर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसे वेरी कर रहा है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम एक यहां पे एलिमेंटल कैपेसिटर ले लेते हैं, एलिमेंटल कैपेसिटर इसका हम ये थिकनेस dx ले लेते हैं। तो इसका k तो ये बन जाएगा जो दे रखा है कि x में वेरिएशन बहुत कम है, तो k को सेम मान सकते हैं। और इस पूरे स्लैब को हम मान सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे डायलेक्ट्रिक स्लैब्स एक के बाद एक के बाद एक लगे हुए हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो पहले इसका अगर कैपेसिटेंस लिखूंगा, इस एलिमेंटल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, तो डीसी हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए। एरिया में क्या आएगा, एरिया में तो जो भी एरिया है वही आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। डी की जगह क्या आएगा, तो डी की जगह इसका बन जाएगा और यहां पे के के भी लगाने, तो के आ जाएगा के इंटू वन प्लस अल्फा एक्स। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और इंटू के, तो के मैंने यहां पे लिखा है, के ये हो गया के इंटू वन प्लस अल्फा एक्स और अपॉन इसका थिकनेस जो है दैट इज डी एक्स। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी इसका जो है वो डी एक्स है और इंटू के कर दिया। अब ऐसे सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डी सी, एक के बाद एक लगे हुए हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ऐसे एलिमेंटल कैपेसिटेंसेस हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डीसी। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि 1 बाई डीसी अगर जोड़ेंगे सबका, 1 बाई डीसी अगर जोड़ेंगे सबका यानी इंटीग्रेट करेंगे तो हमें 1 बाई सी मिलेगा। ये तरीका होता है। तो 1 बाई डीसी अगर करोगे तो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एप्सिलॉन नॉट ए के, ये तो इधर आ जाएगा और ये बन जाएगा डीएक्स अपॉन 1 प्लस अल्फा एक्स। और लिमिट्स क्या डालेंगे, तो फ्रॉम 0 टू डी, अगर टोटल सेपरेशन डी है तो यहां से एक्स की लिमिट 0 से डी तक कर देंगे। अब ये फिर से एलन वाला इंटीग्रेशन है, तो इसमें 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए के ये बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा एलन ऑफ 1 प्लस अल्फा, एक्स की जगह डी डाल देंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट तो एक्स की जगह 0 डालेंगे, तो वो तो 1 ही बन जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ये आ गया। अच्छा, ये फिर से वैसा ही आ गया कि एलन के टर्म्स में आ गया, बट आंसर एलन के टर्म्स में नहीं है, तो एक्सपेंशन कर देंगे। तो यहां पे 1 बाई एप्सिलॉन नॉट ए के ये तो बाहर आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, एलन ऑफ 1 प्लस अल्फा डी है ये, तो एलन ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन अल्फा डी एक्स प्लस अल्फा डी का स्क्वायर, सॉरी माइनस, ये प्लस की बजाय माइनस, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, एलन ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन अप टू टू टर्म्स हम ये लिखेंगे, तो ये यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू ये बनेगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए के और इसमें अल्फा इंटू डी बाहर आ जाएगा। अच्छा, एक अल्फा हमने यहां पे मिस किया है, जब इंटीग्रेशन करेंगे ना तो यहां पे एक अल्फा भी आ जाएगा कि एक्स का कोएफिशिएंट अल्फा था तो एक अल्फा आया होगा, यहां पे एक अल्फा मिस किया हमने, और फिर यहां पे आ जाएगा 1 माइनस अल्फा डी अपॉन टू, तो ये बाहर वाला अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया। अच्छा, ये 1 अपॉन सी है, अब हमें सी निकालने के लिए इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो सी हो जाएगा रेसिप्रोकल अगर लोगे तो एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी और ये 1 माइनस अल्फा डी बाई टू का पावर माइनस 1 होगा, फिर बाइनोमियल लगा लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए इस तरह के एलन ऑफ 1 प्लस एक्स का पहले एक्सपेंशन किया, अब हम बाइनोमियल भी लगा रहे हैं, तो फाइनल आंसर फिर इस तरह में आ जाएगा 1 प्लस अल्फा डी अपॉन टू। तो अब देखो, अब ये सही फॉर्म में होगा जो दे रखा होगा, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी 1 प्लस अल्फा डी बाई टू, तो ये ऑप्शन 4 में दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे डायलेक्ट्रिक्स वाले केसेस में हम कॉम्बिनेशन करके करते हैं। एक ये देखते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन में आंसर देखोगे तो नन है, नन इसलिए है बिकॉज जेई मेन में जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कोई भी ऑप्शन गलत सही नहीं है, सारे ऑप्शंस गलत हैं। तो ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक होता है कि इस तरह का कॉम्बिनेशन में, जैसे इसमें दो ऑप्शंस होते हैं ना, कि दो ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन में क्या करूं कि यहां पे बेसिकली चार डायलेक्ट्रिक्स दिख रहे हैं हमें, तो एक ऑप्शन ये होता है, एक ऑप्शन अगर मैंने किया, चलो मैं यहां दिखा रहा हूं कि इसको कैसे कर सकते हैं दो ऑप्शंस में, कि एक ऑप्शन मैंने किया कि ये K1 और K3 ये पैरेलल में है और फिर आगे K2 और K4 ये पैरेलल में है और ये दोनों आपस में सीरीज में है, K1 K2 K3 K4, एक ये तरीका है।
और दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका है कि मैं ये करूं कि ये, चलो दूसरा तरीका मैं थोड़ा नीचे बना देता हूँ, इधर कर लेता हूँ। तो एक ये है, या मैं दूसरा ऑप्शन ये दे रहा हूँ कि K1 K2 सीरीज में है, K1 K2 सीरीज में है, नीचे में K3 K4 सीरीज में है, और ये दोनों फिर आपस में पैरेलल हैं। ये दो है, K1 K2 K3 K4। तो ये दो तरीके होते हैं, और इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बेसिकली इस क्वेश्चन में, तो काफी सारे बुक्स भी कंफ्यूज होते हैं, और ये जेई मेन में भी जो क्वेश्चंस आते हैं, चूंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, जेई मेन में बहुत सारे पेपर्स बनते हैं तो काफी स्टैंडर्ड से क्वेश्चंस लेते हैं वो, और वो बुक्स वगैरह से भी ले लेते हैं, अलग अलग बुक से क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये क्वेश्चन फिर जिस बुक से लिया होगा उस बुक में ही ये गलती की हुई होगी और इस कारण से इन्होंने भी आंसर गलत दे दिया। सही आंसर जो है वो ऑप्शन में नहीं था, और बाद में बोनस भी नहीं किया। तो जेई मेन ऐसा करते कि अपनी गलती को नहीं मानते, तो इस क्वेश्चन में ये गलत कर रखा था। अच्छा, इसमें सही तरीका ये नीचे वाला सही तरीका है, ऊपर वाला गलत है। ये वाला जो है, दिस इज रॉन्ग मेथड एंड दिस इज करेक्ट मेथड ऑफ कंबाइनिंग द कैपेसिटर्स यहाँ पे। अब ऊपर वाला गलत क्यों है? जैसे नीचे वाला सही है तो तुम सही निकाल लोगे, सही आंसर जो होगा वो दिखोगे, ये तो निकाल ही लोगे ना कि दो सीरीज में है, फिर दो सीरीज में पैरेलल में, तो उससे जो आंसर आएगा वो इसमें होगा नहीं ऑप्शन में। अब ये गलत क्यों है पहले वाला, वो थोड़ा समझो। तो यहां पे देख के ऐसा लग रहा है कि ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में, क्योंकि ये हमें बाउंड्री दिख रहे हैं ना, ये बाउंड्री दिख रही है, तो ये बाउंड्री देख के ऐसा लग रहा है कि K1 और K3 वाले पैरेलल में है। लेकिन पैरेलल में होने के लिए कंडीशन क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा। समझो कैसे नहीं होगा, कि अगर मैंने मान लिया कि इस प्लेट्स पे चार्जेस, लेट्स से पहला अजम्पशन हम ये ले रहे हैं कि प्लेट्स पे चार्जेस यूनिफॉर्म है, कि यहां पे जो दोनों तरफ प्लेट्स है ना, तो एक प्लेट पे पूरा चार्ज यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म सिग्मा का है, तो यूनिफॉर्म होगा या नहीं होगा पहले ये समझते हैं कि प्लेट्स पे चार्ज यूनिफॉर्म होगा या नहीं होगा। तो अगर मान लो मैंने यूनिफॉर्म मान लिया, मैंने मान लिया कि लेफ्ट में लेट्स से प्लस सिग्मा है और राइट में माइनस सिग्मा है पूरे प्लेट में, अगर मैंने ये मान लिया, तो फिर अगर हम ये करेंगे कि इसमें अगर हम टॉप दो हाफ है, एक ऊपर वाला हाफ है L/2 वाला, एक नीचे वाला हाफ है, तो अगर मैं टॉप हाफ यूज करूंगा, टॉप हाफ, और अगर एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा, तो उसके लिए क्या करूंगा, तो टॉप हाफ में पहले K1 को क्रॉस करूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो यहां पे ये K1 टाइम्स हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन K1 और इनटू D/2 और प्लस सिग्मा अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट और इनटू D/2, ये आएगा पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो ऐसा आएगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस लेट से दोनों प्लेट्स के बीच में वी है, तो ये वी तक पहुंचेंगे। अब अगर मैं यही लोअर हाफ से जाऊंगा तो अगर मैं फिर से पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहूंगा, तो अब इस बार रास्ते में हमें K3 और K4 मिलेगा, तो अब इक्वेशन क्या बनेगा, सिग्मा अपॉन K3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट और इनटू D/2 प्लस सिग्मा अपॉन K4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट इनटू D/2 इक्वल्स टू वी, ये बनेगा। समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कि हम फील्ड इनटू डिस्टेंस लिख के पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं और एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक पहुंच रहे हैं। अब ये बताओ कि हम ऊपर वाले रास्ते से गए या नीचे वाले रास्ते से जाएं, लेफ्ट एंड राइट वाले जो प्लेट्स हैं वो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, ये पूरा का पूरा प्लेट ही एक ही पोटेंशियल पे होगा, ये पूरा प्लेट ही एक ही पोटेंशियल पे होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो अगर मैं ऊपर वाले रास्ते से जाऊं या नीचे वाले रास्ते से जाऊं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम आना चाहिए, बट यहां पे K1 K2 K3 K4 अगर कुछ भी हो सकते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये होने के लिए फिर सिग्मा मॉडिफाई हो जाता है, सिग्मा मॉडिफाई होता है, तो यहां पे ये हो जाता है कि अपर हाफ में सिग्मा कुछ और हो जाएगा, तो लेट से यहां तक वाले हाफ में सिग्मा कुछ और हो जाएगा, यहां से यहां तक वाले हाफ में, और लोअर हाफ में सिग्मा कुछ और हो जाएगा, ये लोअर हाफ में सिग्मा कुछ और हो जाएगा, तो इसको मैं प्लस सिग्मा डैश और माइनस सिग्मा डैश लिख रहा हूं, वो अपने आप फिर इसको बराबर कर देगा, तो नीचे वाले में अब ये सिग्मा की जगह सिग्मा डैश आ जाएगा, तो सिग्मा एंड सिग्मा डैश ये डिफरेंट होगा, सिग्मा डैश आर डिफरेंट। ये डिफरेंट क्यों होगा, क्योंकि सेम पोटेंशियल डिफरेंस तक पहुंचना है, तो K1 K2 अगर ऊपर में K1 K2 आया, नीचे वाले इक्वेशन में K3 K4 आ गया, तो अलग अलग K आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम करने के लिए फिर सिग्मा अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सही तरीके से, तो सिग्मा और सिग्मा डैश डिफरेंट होगा। अच्छा, अब अगर सिग्मा और सिग्मा डैश डिफरेंट हो गया, तो फिर अब ये देखो, एक चीज ये भी देखो कि अगर मैं ये वाला टर्म देखूं जिसको अभी मैं ऑरेंज से मार्क कर रहा हूं, इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में ये वाला टर्म देखो, ऑरेंज से मार्क किया, तो ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस K1 हो जाएगा, K1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और नीचे वाला टर्म अगर देखोगे तो ये आ जाएगा K3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दोनों टर्म्स में K1 K3 भी अलग अलग है और सिग्मा सिग्मा डैश भी अलग अलग है, तो फिर ये दोनों टर्म अलग अलग होंगे,
यानी कि ज्योमेट्री से तो लग रहा था कि K1 और K3 पैरेलल है, बट पैरेलल होने के लिए कंडीशन होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा। हम बोल नहीं सकते कि सेम, ऐसा हो सकता है कि K1 K3 की वैल्यूज ऐसी हो कि सेम हो जाए। अच्छा, K1 K3 अगर सेम हो जाएगा तो भी सेम नहीं होगा, बिकॉज सिग्मा और सिग्मा डैश अलग होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों टर्म्स जो है दे आर नॉट इक्वल, ये दोनों टर्म्स नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल। और ये है क्या, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस K1 एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस K2। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस K1 एंड K2 आर नॉट इक्वल। ये दोनों टर्म्स बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस ही आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नॉट इन पैरेलल, नॉट इन पैरेलल। ये दोनों जो दिखने में, ज्योमेट्रिकली दिखने में लग रहे थे पैरेलल है, एक्चुअली में ये पैरेलल नहीं, पैरेलल होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेंस ने गलत किया था। अच्छा, मेन जहां से बुक से उठाते हैं वो बुक पे डिपेंड करेगा कि सही उठा रहे हैं या गलत उठा रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन सही सॉल्व कर रखा है, इसमें भी दो तरीके होते हैं कि एक गलत तरीका एक सही तरीका। तो गलत और सही तरीके में सही तरीका क्या होगा वो देख लेते हैं। तो यहां पे दो तरीके कौन कौन से हैं, पहले वो ऑप्शन बनाते थे कि मान लो यहां पे ऐसा केस है और हमने जो डायलेक्ट्रिक फिल किया हुआ है वो ऐसा एक ट्रायंगुलर डायलेक्ट्रिक स्लैब है, ऐसा डायलेक्ट्रिक स्लैब है, ऐसा कुछ डायलेक्ट्रिक स्लैब फिल किया हुआ है। अब इसमें मैं दो तरीके दिखा रहा हूं, तो लेट से मैं राइट में भी बना लूं। तो यहां पे ये ट्रायंगुलर डायलेक्ट्रिक स्लैब कुछ ऐसा है, तो इसमें वही करना है कि एलिमेंटल कैपेसिटेंसेस में ब्रेक करना है। तो यहां पे दो ऑप्शंस मैं दिखा रहा हूं। एक ऑप्शन ये है कि मैं ऐसा कर लूं कि एक ऐसा ले लूं, ऐसा डिवाइड कर लिया, ऐसा डिवाइड कर लिया कि मैं यहां से कुछ एक्सिस्टेंस आऊं और dx ले लूं और एक कैपेसिटर, फिर मुझे ये मिल जाएगा, इतनी दूर वाला DC1 मिल जाएगा, इतनी दूर वाला DC2 मिल जाएगा। DC1 बोल दूं कि DC1 पैरेलल है DC2 के, और पैरेलल अगर है तो मैं इन दोनों का कंबाइंड DC निकाल लूं, DC = DC1 + DC2, कंबाइंड DC निकल जाएगा। और फिर ऐसे बहुत सारे DC आपस में सीरीज में होंगे, बिकॉज हमारे पास प्लेट्स तो ऊपर एंड नीचे है, तो बहुत सारे ऐसे DC सीरीज में होंगे। तो 1/C निकालने के लिए हमने 1/DC का इंटीग्रेशन कर लिया। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं ऐसे करूं कि मैं ऐसा ले लूं, तो मैं क्या करूं कि यहां से एक्जिस्टेंस दूर आ जाऊं और यहां पे dx और ले लूं, तो फिर मुझे एक ऊपर में DC1 मिल गया जो कि एयर कैपेसिटर है, नीचे में DC2 मिल गया जो कि डायलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर है, और ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में है तो फिर मैं पहले क्या निकालूंगा, यहां पे लिख देता हूं कि DC1 सीरीज विथ DC2। तो पहले मैं DC निकालने के लिए, इन दोनों का मिला के DC निकालने के लिए 1/DC1 + 1/DC2 करूं। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। और फिर ऐसे बहुत सारे पैरेलल में लगे हुए हैं, दोनों प्लेट्स के बीच में ऐसे बहुत सारे पैरेलल में लगे हुए हैं। तो फिर DC अगर पैरेलल में है ऐसे बहुत सारे, तो फिर हो जाएगा कि C = IDC। ये दो तरीके हैं। अब दो तरीके में से एक सही है एक गलत है, सही कौन सा है बताओ। तो इसमें फर्स्ट वाला मेथड देखोगे तो हमने क्या किया कि हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लिया और बोल दिया कि उन पैरेलल लाइंस के बीच में जो दो कैपेसिटर हैं, लेफ्ट में एक एयर वाला कैपेसिटर और राइट में डायलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। यानी कि मैंने ज्योमेट्रिकली पैरेलल देख के बोल दिया कि ये पैरेलल है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये गलत तरीका है। सेकंड वाले तरीके में हमने क्या बोला, हमने बोला कि एक कैपेसिटर और दूसरा कैपेसिटर एक के बाद एक लगे हुए हैं, DC1 DC2। अगर मैं एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ जाऊंगा तो DC1 DC2 एक के बाद एक लगे हुए मिलेंगे, तो ये दोनों सीरीज में है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक के बाद एक लगा हुआ ही बस कंडीशन होता है, तो सीरीज में है। और फिर इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो सारे मैं बोल रहा हूं कि पैरेलल में है, तो वो सारे पैरेलल में, ये भी ठीक है, बिकॉज वो कॉम्बिनेशन होकर जो डीसी मिल रहा है उसमें एक ऊपर वाला प्लेट है एक नीचे वाला प्लेट है, तो दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस तो हर जगह सेम है, बिकॉज प्लेट ऊपर वाले प्लेट पूरा इक्विपोटेंशियल है, नीचे वाले प्लेट पूरा इक्विपोटेंशियल है, कंडक्टर्स है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सारे ऐसे कैपेसिटर्स के बीच में है सेम। तो फिर पहले मैं DC1 DC2 को सीरीज में बोला एक के बाद एक लगा हुआ देख के, और उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला उन सबको बोले कि वो पैरेलल में है, तो ये फिर सही तरीका है, दिस इज करेक्ट वे, ये करेक्ट तरीका है। तो इसमें अगेन ये वाला तरीका सही है और ये वाला तरीका गलत है, और इसमें उन्होंने सही तरीके से जो आंसर आता है वो दे रखा है। यानी कि फिर ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि वो क्वेश्चन ले कहां से रहे हैं और उस क्वेश्चन जहां से लिया है उन्होंने गलती किया नहीं किया,
तो कंसिस्टेंट नहीं है, जैसे सही तरीका एक क्वेश्चन में लगा रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में नहीं लगा रहे हैं। तो जनरली एग्जाम में ऐसे मिस्टेक्स मेंस में होते हैं, तो तुम अगर मान लो सही वाला ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो अब तो मैं साथ में ये भी पढ़ाने लगा हूं कि अगर जहां भी इस तरह का कंफ्यूजन वाली बात होती है ना कि ये सही तरीका है तो इससे आंसर निकालोगे, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो फिर ये गलत तरीका इससे भी निकाल के देख लोगे और हो सकता है कि ये गलत वाले तरीके से आंसर मैच करे, तो उसको भी टिक कर देना। तो मेंस में ऐसा हो रहा है, बट पहला अटेम्प्ट तो हमेशा सही तरीके से करना है, उससे आंसर आ गया तो वही ठीक है। तो अब ये आगे कर लोगे ना, इसमें डीसी वन डीसी टू क्या लिखोगे वो एक बार देख लो कि डीसी वन क्या होगा। मैं जो सेकंड वाला करेक्ट मेथड है इसमें मैं डीसी वन डीसी टू लिख लूंगा, उसके बाद तो आगे कर ही लोगे। तो डीसी वन क्या होगा, तो डीसी वन ऊपर वाला ये वाला कैपेसिटर इसको मैं पिंक से मार्क कर रहा हूं, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया क्या बनेगा, तो अगर ये प्लेट का साइज क्या था, स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है तो अंदर की तरफ ए डायमेंशन है और डीएक्स विड्थ है, तो एक स्ट्रिप जैसा मिलेगा जिसका एरिया कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एरिया हो जाएगा ए इंटू डीएक्स, ये इसका एरिया हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। डी कितना होगा, तो डी में ये हम सिमिलर ट्राएंगल, अगर मान लो मैं इसको वाई बोल रहा हूं तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की जगह वाई आ जाएगा, जहां पे वाई क्या होगा, तो वाई यहां पे मैं सिमिलर ट्राएंगल से लिख देता हूं, वाई क्या बनेगा, वाई बाई एक्स ये छोटे वाले ट्राइंगल में इज इक्वल टू बड़े वाले ट्राइंगल में डी बाई ए आ जाएगा ना, बड़े वाले ट्राइंगल में जो ये पूरा जो ये लेंथ है ये तो डी दे रखा है और बेस जो है वो ए है, ठीक है, तो वाई बाई एक्स इक्वल टू डी बाई ए होगा। तो डीसी वन ये आ जाएगा, इसमें वाई की वैल्यू डाल दोगे। डीसी टू क्या आएगा, तो डीसी टू नीचे वाला है, तो नीचे वाला जो कैपेसिटर है वो डायलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर है, तो उसमें देखते हो उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐड कर दोगे तो वो के है, और इनटू एप्सिलॉन नॉट एरिया, एरिया तो इसका भी वही हो जाएगा ए डी एक्स, और अपॉन डी में इसका आ जाएगा डी माइनस वाई। तो ये डीसी वन डीसी टू आया, तो पहले तुम वन बाई डीसी निकालोगे, वन बाई डीसी निकालोगे, वन बाई डीसी वन प्लस वन बाई डीसी टू करके, और फिर सी निकालने के लिए इंटीग्रल ऑफ डीसी कर दोगे, बिकॉज ये डीसी वन डीसी टू से जो कैपेसिटर आ रहा है ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर आएंगे और सारे पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, तो इंटीग्रल ऑफ डीसी से नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये डायलेक्ट्रिक वाले क्वेश्चंस मेंस में बहुत आ रहे हैं, तो इसमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चंस आता है कि हमने अलग अलग डायलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिए, तो इसमें जनरली सही वाले तरीके से हमेशा सॉल्व करना है, बट मेंस में गलत वाले तरीके से भी कभी कभी आंसर दे देते हैं। तो आई होप यहां तक क्लियर हो रहा है। तो अब कैपेसिटर में एक और डिस्कशन हमारा बचा है जो कि सर्किट्स में अगर कैपेसिटर है तो उसको हम कैसे डील करेंगे सर्किट्स में, कि अभी तो हमने कैपेसिटर्स का बेसिक कर लिया, डायलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस कितना हो जाता है ये कर लिया, सर्किट्स में कैपेसिटर डालेंगे उसको कैसे एनालाइज करेंगे, तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। कि एक हमारा डीसी सर्किट में इंस्ट्रूमेंट्स वाला पार्ट बचा हुआ है, डीसी सर्किट का जो फर्स्ट सेशन था उसमें हमने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स कवर नहीं किया था, तो एक और सेशन लगेगा जिसमें डीसी सर्किट्स का जो इंस्ट्रूमेंट्स वाला पार्ट है वो हो जाएगा और कैपेसिटर अगर सर्किट्स में होते हैं तो उसका एनालिसिस हो जाएगा। तो वन मोर सेशन विल बी रिक्वायर्ड और उसके बाद फिर ये फर्स्ट तीन चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक डीसी सर्किट और कैपेसिटर्स ये खत्म हो जाएगा। तो इन द नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन होगा डीसी सर्किट्स में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला पार्ट और कैपेसिटर्स को हम सर्किट्स में डालते हैं तो उन सर्किट्स का एनालिसिस। ओके, सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। जो भी क्वेश्चंस हमने इस सेशन में डिस्कस किए हैं ये सारे एक बार खुद से सॉल्व करोगे आफ्टर यू गेट द पीडीएफ इस वेबिनार के बाद। तो आई होप ये सेशन तुम्हें बेनिफिशियल हो रहा है। तो ये रिवीजन प्लान अगर तुम हमारे साथ करते रहोगे तो तुम्हारा जेई मेन का रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर जेई मेन। अगर इस सेशन से तुम्हें फायदा हो रहा है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, स्प्रेड करो। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार।